कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आइए, वॉल्यूम टू पे है। पेज नंबर टू पे है, 422। पेज नंबर टू पे है, 422, वॉल्यूम टू। ऑडिट कमिटी के फीचर्स है, यस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हाँ भाई, लॉ का नहीं मालूम, ऑडिट में इट इज एप्लीकेबल टू ओल्ड एंड न्यू कोर्स, बोथ दोनों को एप्लीकेबल है। देनिंग कंपनी इज आर्टिफिशियल एंटिटी, तो उनके डिसीजंस किसी को लेने पड़ते हैं। कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी, तो उनके डिसीजन किसी को लेने पड़ते हैं। और इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी के डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं, कंपनी के डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो बेसिकली बहुत आसान शब्दों में कंपनी को कैसे चलाया जा रहा है, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चलाते वक्त तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी को चलाना है, तो FAT, फैट, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। डिसीजन जब आप लो, जब आप डिसीजन लो तो सभी स्टेक होल्डर्स का आप ख्याल रखो, देर शुड बी फेयरनेस। जो भी काम कर रहा है उसने जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी से। एंड देन आखिरी में देर शुड बी ट्रांसपेरेंसी। जो भी आप डिसीजंस लो, जो भी डेटा डिसीजंस लो, कंपनी को चलाओ, तो उसका डेटा रेगुलर बेसिस पे आपने शेयरिंग करना चाहिए आपके शेयर होल्डर्स के साथ में। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे बेहतर बनाना, इसलिए इंडिया में दो चीजें हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंडिया में कैसे बेहतर बनाना, इसमें दो चीजें हैं। एक है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में बहुत सारी बातें लिखी है, कंपनीज एक्ट में बहुत सारी बातें लिखी है जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव होता है, विच इंप्रूव्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे होते हैं, अच्छे से डिसीजंस को लिया जाता है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। और दूसरा है जो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को लगता है, LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को दो चीजें प्रोटेक्ट करती है, दो चीजें चलाती है, कौन कौन सी साहब? कंपनीज एक्ट एंड LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अब अगर आप 421 पे आइए, सोच रहा था नहीं कराऊं लेकिन अब लग रहा है करा दूं। क्योंकि इसमें एक ओवरव्यू मिल जाता है चैप्टर का, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सवाल यह है कि क्वेश्चन ये पूछा गया, जैसे मैंने बोला नवंबर 15 एग्जाम में मई 17 आरटीपी, फिर नवंबर 18 आरटीपी में आया है। बताइए कि LODR के अंदर कौन सी बातें लिखी है। LODR में 110 रेगुलेशंस है, वो सब हमारे कोर्स में नहीं है। उसमें से कुछ रेगुलेशंस इंस्टीट्यूट ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चैप्टर में डाले हैं,
जहां पे इंस्टीट्यूट का ऐसा मानना है कि इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है एलओडीआर के अंदर ऐसी कौन सी बातें लिखी है जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी को जो चलाने का तरीका है वो इंप्रूव होता है। तो वहां पे एक शॉर्टकट है, क्रैब्स ऑन माइक, इसलिए उसका फोटो भी डाला है, क्रैब्स ऑन माइक, क्रैब्स ऑन माइक गेट डीएसएलआर। बहुत रेयर सिचुएशन है, क्रैब्स ऑन माइक सो गेट डीएसएलआर। अगर पता होगा आपको डीएसएलआर इज अ कैमरा। अभी क्या इतने सारे पॉइंट्स है तो जरूरी हमारे लिए सब। अभी और डीएसएलआर इस बार और नया ऐड किया क्योंकि अमेंडमेंट्स थे, पहले ऐसा बोलता था क्रैब्स ऑन माइक फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दे आर डिमांडिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऐसा याद रखो, लेकिन अब वो निकाल देना पड़ा। लेट्स सी इंपॉर्टेंट, क्रैब्स सी स्टैंड फॉर सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेशन, कंपनी के हाईएस्ट अथॉरिटीज, कंपनी के हाईएस्ट अथॉरिटीज सीईओ सीएफओ को बोलो कि वो सर्टिफाई करेंगे, सीईओ सीएफओ को बोलो कि वो सर्टिफाई करेंगे कंपनी के सिस्टम्स अच्छे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे हैं। जब आप उन लोगों को बोलोगे ना सर्टिफाई करने के लिए, इतने हाईएस्ट लेवल की अथॉरिटी, तो ऑटोमेटिकली बड़े जिम्मेदारी से लोग काम करेंगे, बड़े जिम्मेदारी से सिस्टम को इंप्लीमेंट करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। हाईएस्ट अथॉरिटी को जिम्मेदार बनाओ तो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और अच्छे से बनाएगी, इट विल इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, इट विल इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी, लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे, इंफॉर्मेशन भी अच्छी मिलेगी, इट विल इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी। क्विकली, सी स्टैंड फॉर सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन करवाएंगे तो लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे, बहुत बढ़िया। सी स्टैंड फॉर कंप्लायंस सर्टिफिकेट, ये अलग है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर्स एंड और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। सर ये क्या है, क्या कंपनी के लोग एलओडीआर के रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, इसका सर्टिफिकेशन करवाना पड़ता है या तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से या तो ऑडिटर से, और एनुअल रिपोर्ट में छापना पड़ता है। सर्टिफिकेशन है, सबको पता है कि भाई सर्टिफिकेशन में, ठीक है, अगर कुछ भी गलत किया तो सर्टिफिकेट में लिख देगा ये बंदा, फिर लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं। सर्टिफिकेशन में निगेटिव चीजें नहीं आनी चाहिए, इसलिए वापस जिम्मेदारी से काम करते, इट इंप्रूव्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सी स्टैंड फॉर सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेशन, वो सर्टिफाई करते हैं बराबर, गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे। कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिलने वाला है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या फिर ऑडिटर से, उसमें कुछ निगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए फिर जिम्मेदारी से काम करेंगे। आर स्टैंड फॉर रिस्क मैनेजमेंट, और एलओडीआर में कंपनी ने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होना चाहिए ताकि क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव हो, डिसीजन इंप्रूव होंगे इट विल इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को बराबर अप्रूव करना चाहिए सोच समझ कर, दिस विल ऑल्सो इंप्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजंस। ए स्टैंड फॉर ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी है, इससे अकाउंट्स और ऑडिट इंप्रूव होगा, इट विल इंप्रूव क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, इट इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बी स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन, हमारा इस बार जो अमेंडमेंट लेक्चर डाला है हमने, अमेंडमेंट लेक्चर, टोटल अमेंडमेंट लेक्चर अदर देन आरटीपी एक घंटे का है, देखना ही चाहिए वो आपने, मई 20 के लिए खास अमेंडमेंट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो अगर आप YouTube पे जाएंगे तो आपको मई 20 के अमेंडमेंट का प्लेलिस्ट मिलेगा, वो वीडियो आपने देखना चाहिए, एक घंटे का पूरा वीडियो सिर्फ अमेंडमेंट्स अदर देन आरटीपी, उसमें तो हमने वहां पे बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग अलग रिक्वायरमेंट है, वुमन डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट, मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम डायरेक्टरशिप कितनी हो सकती है, चेयरपर्सन का रिक्वायरमेंट, एंड आई थिंक दैट दोज आर इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज में टारगेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उसको कृपया पढ़े, यहां पे तो शायद ही कवर होगा अभी, दैट्स नॉट पॉसिबल। देन चार एस है, सबसे पहले जिन लोगों ने पैसा लाया शेयर होल्डर्स, उसके लिए सिक्योरिटीज ट्रांसफर की कमिटी बनाओ, शेयर होल्डर के शेयर्स ट्रांसफर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए सिक्योरिटी ट्रांसफर की कमिटी बननी चाहिए, कमिटी शेयर सिक्योरिटी ट्रांसफर की प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए।
फिर एस स्टेक होल्डर की प्रॉब्लम दूर करने के लिए स्टेक होल्डर कमिटी होनी चाहिए। अब पैसा आने के बाद पैसा जहां पे लगाया बराबर लगाया ना आपने, स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन समझता है आपको, अगर प्रॉपर पर्पस के लिए पैसा यूज नहीं किया तो स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन में जाता है कि भाई पैसा लिया था स्टील के लिए यूज कर लिया ऑयल के लिए। वेरिएशन मतलब खर्चा प्रॉपर पर्पस के लिए है लेकिन जिस प्रपोर्शन में आप खर्चा करने वाले थे, अलग अलग इंटरनली जो एक्सपेंडिचर होने वाला था वो अगर बराबर नहीं होता तो आता है स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन में, तो वो आपको बताना है। फिर सब्सिडरी कंपनी में बहुत सारा पैसा जाता है, चार एस थे, पैसा कहां से आता है, शेयर होल्डर्स, उनके लिए सिक्योरिटी ट्रांसफर कमिटी, उनके लिए शेयर होल्डर स्टेक होल्डर कमिटी, फिर पैसा गया उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन, और कहा गया सब्सिडरी, सब्सिडरी को भी बराबर मैनेज करो, चार एस है। ऐसा करने से कंपनी के लोग बेहतर डिसीजंस लेते, बेहतर इंप्लीमेंटेशंस करते। क्रैब्स ऑन माइक, ओ स्टैंड फॉर ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट। डायरेक्टर्स है, जो डायरेक्टर्स है और सीनियर मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस है, उनको अपनी शेयर होल्डिंग बतानी पड़ती है, अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताने पड़ते हैं ताकि वापस डिसीजन लेते वक्त इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को दूर रखा जा सके, तो उनके ऑब्लिगेशन है। माइक, एम स्टैंड फॉर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। आपको एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस डालना पड़ेगा, साल भर में एक बार तुम बात कर रहे हो तुम्हारे शेयर होल्डर से, बताओ तो सही बिजनेस में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी दो। आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट शेयर होल्डर्स, जब भी किसी डायरेक्टर, इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, जब भी किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करो उसकी जानकारी देनी चाहिए आपने शेयर होल्डर्स को। सी स्टैंड फॉर कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। ये सब करने से कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव होगा, डिसीजन मेकिंग विल इंप्रूव, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी विल इंप्रूव। DSLR डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, सभी लोगों को इंफॉर्मेशन एक साथ मिलनी चाहिए, किसी को पहले किसी को बाद में नहीं, नहीं तो किसी को बढ़िया बहुत फायदा हो जाएगा, जल्दी रिजल्ट्स पता चलेगा, किसी को लेट। सेक्सुअल हैरेसमेंट के जितने भी केसेस है एनुअल रिपोर्ट में डिटेल्स देने पड़ते हैं। एक नया ही कॉन्सेप्ट लाया उन्होंने, नया ही, लिमिटेड रिव्यू ऑफ ऑडिट, लेकिन डिटेल में नहीं, हमको हमारे कोर्स में नया ही कॉन्सेप्ट लाया। जितनी सब्सिडरीज, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर कंसोलिडेट होती है उनके ऑडिटर्स का काम, उनके ऑडिटर्स का काम पेरेंट कंपनी का ऑडिटर रिव्यू करेगा, तो रिव्यू ऑफ ऑडिट ऑफ सब्सिडरीज, और उसके लिए एक गाइडलाइन सेबी ने बनाई है, वो गाइडलाइन हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ उसका रेफरेंस दिया है। ये एक नया कॉन्सेप्ट सेबी ने लाया कि सब्सिडरीज के ऑडिटर ने ऑडिट बराबर किया नहीं, रिव्यू कौन करेगा, पेरेंट कंपनी का ऑडिटर। और आर इज फॉर रेमुनरेशन कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी। लेट्स फ्रीज गाइस, LODR में ऐसी कौन सी बातें दी है जिससे डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी कंपनी की इंप्रूव होती है, कंपनी बेहतर तरीके से चलाई जाती है, तो क्रैब्स ऑन माइक, गेट DSLR। सी फॉर CEO CFO सर्टिफिकेशन, लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे। देन कंप्लायंस सर्टिफिकेट के डर से लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे। देन क्रैब्स, आर स्टैंड फॉर रिस्क मैनेजमेंट, करवाइए अच्छे, क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव होगा। देन आर स्टैंड फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को सोच समझ के अप्रूव करिए, फिर आपके डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगा। ए स्टैंड फॉर ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी के ऊपर जिम्मेदारियां डाल दी, फिर कंपनी की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी। बी स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन, अच्छे लोगों को बोर्ड मिलाओ, फिर डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। देन एस स्टैंड फॉर चार एस, पहले पैसा आया कहां से, शेयर होल्डर, उसके लिए सिक्योरिटी ट्रांसफर अरेंजमेंट होनी चाहिए, स्टेक होल्डर कमिटी होनी चाहिए, पैसा जा जहां पर है उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन आना चाहिए, सब्सिडरीज के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। क्रैब्स ऑन माइक, ओ फॉर ऑब्लिगेशन है डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स पे डिस्क्लोजर्स करने के, एक पर्टिकुलर तरीके से चलने के, ठीक है, ताकि अगेन डिसीजन मेकिंग इंप्रूव्स। देन क्रैब्स ऑन माइक, देन एम स्टैंड फॉर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, बेहतर जानकारी मिलेगी लोगों को। आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, डायरेक्टर को अपॉइंट करो ना, लेकिन अपॉइंट करते वक्त उसकी जानकारी दो शेयर होल्डर को।
देन सी स्टैंड फॉर कोड ऑफ कंडक्ट, अगेन डिसीजन मेकिंग विल इंप्रूव क्रैप्स ऑन माइक गेट डीएसएलआर, डी स्टैंड फॉर डिस्क्लोजर, एस स्टैंड फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, देन एल स्टैंड फॉर लिमिटेड रिव्यू ऑफ ऑडिट, और आखिरी में नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमिटी। और पूरे चैप्टर में बस ये बातें डिस्कस हुई है, दीज आर दी दिस इज द कॉन्टेंट ऑफ द चैप्टर। ऑडिट कमिटी भाई भर भर के इसके ऊपर सवाल, ऑडिट कमिटी मतलब कितने बार हो गया है, हद ही हो गई है, तो छोड़ो गिनना भी नहीं। ध्यान देंगे, लेसन ऑडिट कमिटी के बारे में, ऑडिट कमिटी के बारे में दो लोग बात करते हैं, एक बात करता है आपका एलओडीआर और एक बात करता है आपका कंपनीज एक्ट। लेट्स सी, सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, जिन लोगों को एलओडीआर लगता है उन लोगों को ऑडिट कमिटी बनाना ही बनाना है, मैंडेटरी है, ठीक है। कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, सेक्शन 177 सब लोग जानते हैं, 177 के हिसाब से किसको जरूरी है, सबसे पहले लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसमें भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में किसको लगेगा, जिसका पेड अप कैपिटल इज 10 crores और मोर, बोरिंग इज एक्सीडिंग 50 crores और टर्नओवर इज 100 crores और मोर। सबसे बेस्ट लिमिट है 10, 50, 100, एकदम लॉजिकल, सबसे कम कैपिटल उससे बड़ा बोरिंग, सबसे ज्यादा टर्नओवर। लेकिन वहां पे इस बार और थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर, होल्ली ऑन सब्सिडरी, होल्ली ऑन सब्सिडरी, अरे यार तू होल्ली ऑन है, तेरे होल्डिंग के पास ऑडिट कमिटी है ना, वो ध्यान रख लेगी, तेरे को अलग से होल्ली ओन को अलग से ऑडिट कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, अलग से बनाना पड़ेगा, बोले ठीक है डन। फिर होल्ली ओन, फिर आपके पास में जो जॉइंट वेंचर्स है, अरे तेरा वेंचर देख लेगा ना, तेरे को भी अलग से ऑडिट कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है, होल्ली ओन को अलग से नहीं बनाना, जॉइंट वेंचर को अलग से नहीं बनाना, डॉर्मेंट कंपनी को अलग से नहीं बनाना। ये एग्जाम, ये आपके, ठीक है, इन लोगों को एग्जेम्पशन है, इनको ऑडिट कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है, इनके ऊपर जो बैठे उनके पास है ना काफी है। पहले एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी के बाद कंपोजिशन, कितने लोग, दोनों में लिखा है मिनिमम तीन, मिनिमम तीन। एलओडीआर सबसे स्ट्रिक्ट है, एलओडीआर में लिखा है कि आपको 2/3 मेंबर्स इंडिपेंडेंट रखने पड़ेंगे, यहां पे कितना लिखा है मेजॉरिटी, तो एलओडीआर स्ट्रिक्ट है। लेकिन एक खास बात, अगर सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है, जो चेंज है मॉड्यूल में चेंज आया, सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर मतलब ऐसे शेयर जिनकी वोटिंग राइट्स नॉर्मल शेयर, वोटिंग और डिविडेंड राइट नॉर्मल शेयर से ज्यादा है। स्टार्टअप्स में जल्दी जो फाउंडर्स होते हैं उनके पास सुपीरियर राइट शेयर होते हैं, फेसबुक मार्क जकरबर्ग के पास में जो एक शेयर है उसका वोटिंग राइट 10 times है, बाकी मतलब उसके एक एक शेयर का 10 times वोटिंग राइट्स है, ताकि उसके हाथ से कभी कंट्रोल ना जाए कंपनी का। अगर कंपनी ने ऐसे सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं जिनके राइट बाकी से अलग है, ऑल मेंबर शुड बी इंडिपेंडेंट, ऑल मेंबर शुड बी इंडिपेंडेंट, ये बात समझिए सर। पहले हमने देखा एप्लीकेबिलिटी, एलओडीआर और 177 के साथ एप्लीकेबिलिटी के बाद में कंपोजिशन देखा, क्या था 2/3 और 1/2, लेकिन सुपीरियर राइट है तो फुल। अब कंपोजिशन में क्वालिफिकेशन क्या होंगे, एलओडीआर में लिखा है, एलओडीआर में लिखा है सारे के सारे फाइनेंशियल लिटरेट होने चाहिए, वन एक्सपर्ट स्ट्रिक्ट है ऑल। कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग चेयरमैन, यहां पे तो ऑल बोल दिया, हर जगह पे कौन स्ट्रिक्ट है, एलओडीआर, ठीक है। अब किसको एप्लीकेबल है वो समझ में आया, कितने लोग चाहिए वो समझ में आ गया, उसमें कौन से क्वालिफिकेशन है वो समझ में आ गया, चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, इधर तो साइलेंट है बाकी सब जगह। सेक्रेटरी, जो कंपनी सेक्रेटरी, यहां पर सेक्रेटरी रहेगा। फिर अब सब बन गया, कितनी मीटिंग्स होंगी, कम से कम 4 meetings होगी, और 2 meetings के बीच में गैप 4 महीने किसी ज्यादा होना नहीं चाहिए। कोरम कम से कम 2 members और 1/3 विच इज हायर, उसमें भी 2 कौन होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मीटिंग्स में आप फाइनेंस हेड्स, स्टैचुटरी ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर्स, ठीक है, ऑडिटर्स और अकाउंटिंग प्रोफेशनल, इन सबको बुला सकते हो, उनसे डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन वो वोटिंग कर
नहीं सकते, और चेयरमैन को मौजूद रहना पड़ेगा कहां पे? ही शुड बी प्रेजेंट इन एजीएम, एजीएम में मौजूद रहना पड़ेगा. सो दिस इज ऑडिट कमिटी रिक्वायरमेंट एज पर एलओडीआर, एज पर एलओडीआर एंड एज पर सेक्शन 177. पहले हमने देखा एलओडीआर में कौन सी बातें हैं फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिर ऑडिट कमिटी पे आए. सुनो देखो, यहां पे निमोनिक की भी जरूरत नहीं है. एलओडीआर किसको लगता है? लिस्टेड कंपनी. लेकिन उन्होंने और स्पेसिफाई किया डिटेल. क्या इतना टाइम पास है? याद रखें एकदम सिंपल तरीका, किसको लगता है? लिस्टेड. उसमें लेकिन उन्होंने बताया जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड हो. सबसे रिस्की कौन से? इक्विटी. उससे कम रिस्की कन्वर्टेबल, ठीक है? ठीक है, जिसके इक्विटी या प्रेफरेंस लिस्टेड हो तो उनका तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, सबसे पहले सबसे रिस्की कौन से साहब? इक्विटी. इक्विटी लिस्टेड है तो क्या करना आपको? एलओडीआर लग जाएगा नंबर वन. उससे कम रिस्की कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स और कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, उनको भी लग जाएगा. बात समझ रहे साहब? यस नो. लेकिन उन्होंने कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स में भी नॉन क्यूमुलेटिव लिया. कौन सा लिया? नॉन क्यूमुलेटिव. सर क्यों? क्योंकि वो ज्यादा रिस्की होता है. क्यूमुलेटिव में रिस्क कम होती है, नॉन क्यूमुलेटिव रिस्क ज्यादा होती है. उससे थोड़े कम रिस्की परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स. क्या बोला साहब? परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स. देखो अब मैं याद करने की कोशिश करो फिर से, वहां पे लिस्ट वैसे दी हुई है. नाउ चलिए वो लिस्ट के हिसाब से वंस अगेन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एलओडीआर किसको लगता है, एलओडीआर किसको लगता है, आप उसकी लिस्ट बताइए. जिसके सबसे रिस्की कौन से शेयर होते हैं? इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर लिस्टेड है, एलओडीआर लग जाएगा. उसके बाद में उससे कम कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स या कन्वर्टिबल डिबेंचर्स लिस्टेड है, फिर आपको क्या लग जाएगा? एलओडीआर. उससे कम परपेचुअल, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड परपेचुअल डिबेंचर. परपेचुअल मतलब कभी रिडीम होने वाले नहीं है. अगर वो लिस्टेड होंगे, अगर वो लिस्टेड है तो एलओडीआर लग जाएगा. उससे भी कम रिडीमेबल, सबसे कम रिस्की कौन से होते हैं? जो रिडीमेबल हो और नॉन कन्वर्टिबल. रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, उनको भी लग जाएगा. साफ साफ लिखते ना ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज. लेकिन इसमें उनको मजा नहीं आ रहा है, एक एक बता रहे. बात समझ रहे क्या साहब? सर देखो हम कुछ सुन नहीं रहे तुम जो बोल रहे. अच्छा लेट्स प्लीज, अगर अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज लिस्टेड है तो आपको क्या लग जाएगा? एलओडीआर. याद रखना है तो मैं सिर्फ मार्किंग कर दिया, सुन लो. यहां से यहां तक अगर याद रखना है सीक्वेंस ऑफ रिस्क, इन सीक्वेंस ऑफ रिस्क, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज है. बाहर से कोई बंदा आता है इंडिया में लिस्ट कराता है, उसको बोलते हैं आईडीआर. सिक्योरिटाइजेशन हुआ है. क्या हुआ है साहब? सिक्योरिटाइजेशन. सबको समझता है सिक्योरिटाइजेशन? स्पेशल पर्पज व्हीकल बनता है. यस नो. ठीक है, अगर सिक्योरिटाइजेशन आपको बताया तो बैंक वाइट में भी आने वाला है. सुनो, एसबीआई ने 1000 करोड़ के लोन ट्रांसफर किए एक एसपीवी को. एसपी मतलब स्पेशल पर्पज व्हीकल. अब ये 1000 करोड़ की ओनरशिप वो उसने बांट दी सबको शेयर्स इशू कर करके. क्या इशू कर करके? शेयर इशू कर करके. जब किसी भी एसेट की ओनरशिप को हम बांटते हैं शेयर इशू कर करके, उसको बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन. तो अगर ऐसे सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट है, वापस एलओडीआर लग जाएगा. म्यूचुअल फंड लिस्टेड है तो क्या लग जाएगा? एलओडीआर. तो इन द सीक्वेंस ऑफ रिस्क कोई भी अगर लिस्ट हुआ, एलओडीआर लग जाएगा. अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लिस्ट हुए, एलओडीआर लग जाएगा. दो क्वेश्चन पड़े साहब. पहला कौन सा था? एलओडीआर में ऐसे कौन से रेगुलेशन जो किसका ख्याल रखते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस. और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा अभी ऑडिट कमिटी. ऑडिट कमिटी एज पर एलओडीआर, एज पर सेक्शन 177. और बाकी जगह जहां पर भी बस ये दो ही क्वेश्चन ध्यान देंगे. 433 पे आइए.
वहां लिखा है रेफर नोट्स, ध्यान दें, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3.1। साल भर में एक बार मौका मिलता है अपने शेयर होल्डर से अच्छे से बात करने का, आपने मौका गंवाना नहीं चाहिए, आपने अच्छे से उनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। ध्यान देंगे, लिसन, तो सॉफ्ट डिस्कशन विथ ऋषि ऐसा उसका एल, मैनेजमेंट डिस्कशन, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में कौन सी बातें लिखना, उसकी लिस्ट है। पहले एस स्टैंड फॉर सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस बताना है, अलग अलग बिजनेसेस अलग अलग प्रोडक्ट का क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है डन। फिर आउटलुक, फ्यूचर इकोनॉमी कैसी लग रही, इंडस्ट्री कैसी लग रही, क्या रहने वाला है फ्यूचर में, मार्केट इज गोइंग टू एक्सपांड डिक्लाइन, वो बताना है। देन वो सिर्फ एक ही बार है। एफ स्टैंड फॉर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है वो बताना है, और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी कैसा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसा है, हम कैपेसिटी को बराबर यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है हमारा, कॉस्ट एफिशिएंसी कैसी है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी बताना है। थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज मैक्रो लेवल पे, क्या अपॉर्चुनिटीज क्या थ्रेट्स मिलने वाली है फ्यूचर में, वो बताना है। मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस बना रहे थे, क्या किया डिस्कशन, किसके साथ किया, ऋषि। एस स्टैंड फॉर सेगमेंट और प्रोडक्ट वाइज, ओ स्टैंड फॉर आउटलुक बताना है, फ्यूचर आउटलुक कैसा लग रहा है इकोनॉमी इंडस्ट्री का। देन एफ स्टैंड फॉर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, टी स्टैंड फॉर थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, सॉफ्ट डिस्कशन विद ऋषि, आर स्टैंड फॉर रिस्क एंड कंसर्न्स, इंडिविजुअल कंपनी लेवल पर क्या चैलेंजेस है, कहां प्रॉब्लम आ सकते हो बताओ। देन आई स्टैंड फॉर इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, पिछले साल कैसा रहा, स्ट्रक्चर कैसे बदला, क्या क्या हुआ वो बताइए। आर फॉर रिस्क एंड कंसर्न बताइए, एस फॉर आई फॉर इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बताइए, एस फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस, ये नया इस बार उन्होंने बोला है सिग्निफिकेंट चेंजेस, सिग्निफिकेंट चेंजेस बताइए, कोई भी रेशियो अगर 25% या उससे ज्यादा चेंज हुआ है तो उसके बारे में आपको अच्छे से बताना चाहिए। कौन से रेशियोज, पहले पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेशियोज, रिटर्न ऑन नेटवर्थ जिसमें पीएनएल के भी आइटम्स आ गए, बैलेंस शीट के भी आइटम्स आ गए, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बताइए, बोले कैसा रहा, कोई सिग्निफिकेंट चेंज है क्या। फिर वापस करंट रेशियो, इसमें भी एसेट लाइबिलिटी सब आते हैं, दो ऐसी चीजें हैं करंट रेशियो, फिर एसेट के ज्यादा डेटर टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, पहले पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फोकस करने वाले, फिर खास एसेट पे फोकस करने वाले। देन लाइबिलिटी साइड में कौन सा आपका, डेट टू इक्विटी रेशियो, फिर पीएनएल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेशियोज है, एसेट साइड वाले रेशियो है, लाइबिलिटी साइड वाले रेशियो है, पीएनएल वाले रेशियो है, इसमें क्या चेंजेस है वो बताना है। ऋषि, आर आई एस, देन एच, ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस कितना हमारे पास में स्टाफ है, अच्छा स्टाफ है ना, उसके साथ में क्या रिलेशनशिप है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा, वो बताना है। देन बिजनेस को समझने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर है ना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हेल्दी है ना, वी हैव इनफ प्रॉफिट टू पे अवर डेट्स अवर इंटरेस्ट। आपको जहां पर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए, क्यों नहीं किए, उसका जस्टिफिकेशन भी मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में बताना पड़ता है। हमको चीजें चेक नहीं करनी है, सिर्फ जो बातें बोली है वो सब लिखी है ना, ये चीजें एकदम सही है ना, एक्यूरेट है ना, प्रॉपर लिखा है, सही लिखा है, नहीं 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 पढ़ना है, जितना एलओडीआर ने बोला था वैसी बातें लिखी है ना, बस उतना देखना है, और एक बार सिर्फ चेक कर सकते हो कंसिस्टेंसी कि भाई जो डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है वो मैच होता है क्या। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में क्या लिखना, किसके साथ डिस्कशन करो, ऋषि,
एस फॉर सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट वाइज, ओ फॉर आउटलुक, एफ फॉर फाइनेंशियल ऑपरेशन, टी फॉर थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, आर फॉर रिस्क एंड कंसर्न, आई फॉर इंडस्ट्री, ठीक है इंडस्ट्री में क्या था पास्ट में, देन एस फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस, एच फॉर ह्यूमन रिसोर्स, आई फॉर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आई फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अकाउंटिंग स्टैंड फॉलो नहीं किया तो वो भी आपको बताना पड़ेगा एंड सो ऑन। मॉड्यूल में चेंज हुआ, मॉड्यूल में चेंज हुआ है, ठीक है, मतलब उसके थ्रू आया, आरटीपी में नहीं बताया उन्होंने, वो आरटीपी में नहीं बताया उन्होंने, मॉड्यूल में चेंज किया है। फिर ध्यान देंगे इस पे आइए 433.01 मई 18 मॉक टेस्ट, जब शेयर होल्डर के साथ में क्या इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, शेयर होल्डर के साथ क्या इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, जब हम किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, किसको अपॉइंट कर रहे हैं डायरेक्टर को, तो वहां पे बेंज करके बेंज बी स्टैंड फॉर ब्रीफ रिज्यूमे ऑफ डायरेक्टर, उसका ब्रीफ रिज्यूमे बताओ, एक्सपर्टीज क्या है वो बताओ, नेम ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज जहां पे वो डायरेक्टर है, जहां पे वो कमिटी मेंबर है वो बताओ, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर, किसी डायरेक्टर से रिलेटेड है क्या, ठीक है, और शेयर होल्डिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जब भी आप किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो तो उसकी ये जानकारी, ठीक है, तो डायरेक्टर में कितने बेंड्स है, बी फॉर ब्रीफ रिज्यूमे, ए फॉर एक्सपर्टीज, एन फॉर नेम ऑफ द लिस्टेड कंपनी जहां पे वो डायरेक्टर, जहां पे कमिटी मेंबर है, देन डिस्क्लोजर्स ऑफ द रिलेशनशिप, एंड देन फाइनली एस फॉर शेयर होल्डिंग, लेकिन किसका, सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। देखो पढ़ने के लिए है चीजें, लेकिन उसमें से जो लगा सही है। बस इतना देखा हो गया। ध्यान देंगे ये मार्क कर लीजिए 435। फिर 436.10 सर पढ़ाए नहीं वाले क्या, फिर 436.20 435 436 भी मार्क कर लो, क्यों छोड़ते हो उसको, सारे नहीं है वो, सब एक कनेक्टेड है इसलिए करवा दे रहा हूं, और उसको बता भी दूंगा 435, 436.20, 436.20 और 436.30। अरे सब एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर है, हाँ करते रहते थे। हाँ अब ये 436.20 का नोट है, इस पे आइए, बस इंस्टीट्यूट ने क्या गेम खेला वो आपको पता होना चाहिए। ओके दो इसमें कॉन्ट्रोवर्सी हो वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, सारे क्वेश्चंस के आंसर कवर होते उसमें, ध्यान देंगे। सबसे पहले कंसोलिडेशन से एग्जेम्पशन दिए हुए है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में AS 21 में और IND AS 110 में, ठीक है। अब पहली कॉन्ट्रोवर्सी, हमारे प्रैक्टिस मैनुअल में इंस्टीट्यूट ऐसा लिखता है AS में एग्जेम्पशन दिए है और ऐसा लिखा है कि शेड्यूल 3 फॉलो करो, एग्जेम्पशन AS में है लेकिन कंसोलिडेशन शुड बी एज पर शेड्यूल 3, इसलिए कंसोलिडेशन शुड बी डन, ऐसा पीएम में लिखा हुआ अगर आपने पढ़ा होगा कभी तो। अब मैं बता रहा हूं तो फिर इंस्टीट्यूट से बहुत झगड़े, बोर्ड ऑफ स्टडीज से उनको HDFC की एनुअल रिपोर्ट भेजी, फिर उन्होंने आंसर चेंज किया, आंसर चेंज किया सजेस्टेड आंसर में, फिर कॉरिजेंडम इशू, ठीक है, नहीं इस बार किया था लगता है, किया था इस बार,
किया था। अब सुन लो क्या है, ध्यान देंगे। कंपनीज एक्ट में लिखा है कि अगर आपकी सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर कुछ भी हो, आपको क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन करना पड़ेगा एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में लिखा है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडियस फॉलो करने पड़ेंगे फॉर कंसोलिडेशन। ठीक है, मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है, AS और INDAS। फिर शेड्यूल 3 में ऐसा लिखा है कि अगर किसी भी कारणवश कंपनीज एक्ट का एग्जेम्पशन आपने ले लिया, AS का एग्जेम्पशन आपने ले लिया, आपने किसी सब्सिडरी को कंसोलिडेट नहीं किया, तो उसकी लिस्ट देनी पड़ेगी नोट्स टू अकाउंट्स में। कंसोलिडेशन करना है एज पर शेड्यूल 3 करना है, शेड्यूल 3 बोलता है AS, और अगर कभी नहीं हुआ तो नोट्स टू अकाउंट्स में लिस्ट। सबको समझा क्या? यस नो? फिर इंस्टीट्यूट ने आंसर बदला, और मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस मैनुअल में चेंजेस नहीं है और कुछ ऑथर्स के इसमें भी चेंजेस नहीं है, आंसर बदला है फिर भी। नाउ व्हाट इज द आंसर, सुनो। अब अगर एग्जेम्पशन मिलता है तो आप यही सीक्वेंस में आंसर लिखोगे। कंपनीज एक्ट में बोला कंसोलिडेशन करो, फिर वो बोलता है शेड्यूल 3 फॉलो करो, शेड्यूल 3 में बोला AS INDAS फॉलो करो। अगर AS INDAS में एग्जेम्पशन है तो वो एग्जेम्पशन मिलेगा, इट इज द फाइनल अथॉरिटी। AS INDAS इज द फाइनल अथॉरिटी, वहां पे अगर लिखा है तो एग्जेम्पशन मिलेगा, आपको उसको कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है। और नहीं करोगे तो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में एज पर शेड्यूल 3 उसकी लिस्ट देनी पड़ेगी विथ रीजंस कि ये सब्सिडरी को, ये सब्सिडरी को हमने कंसोलिडेट नहीं किया। समझा क्या सब? मतलब ये पहली कंट्रोवर्सी, मैंने बोला पहला मुद्दा मैंने डिस्कस किया, एग्जेम्पशन मिला अगर है AS INDAS के हिसाब से तो कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिस्ट देना कहां पे, नोट्स टू अकाउंट्स में। अब दूसरा मुद्दा, नाउ सेकंड थिंग, आपके AS में अलग एग्जेम्पशन है और INDAS में अलग एग्जेम्पशन है, वही पे गेम खेला पिछली बार, और ये इतने सारे क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट है उनका कंसोलिडेशन में। AS में एग्जेम्पशन है, किसको कंसोलिडेट नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा, इफ देयर इज अ टेम्पररी होल्डिंग, इफ देयर इज अ टेम्पररी होल्डिंग। ठीक है, ऐसा बोलते हैं शेयर्स खरीदे, स्टॉक इन ट्रेड है, शेयर्स क्या है, स्टॉक इन ट्रेड, टेम्पररी होल्डिंग है, साफ साफ लिख देते हैं, 6 महीने में बेच देंगे ऐसा बोल देते हैं, हेल्ड फॉर सेल है ऐसा बोल देते हैं। अगर टेम्पररी होल्डिंग है, क्या है साहब, टेम्पररी होल्डिंग, तो कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है। बोले ठीक है, कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है। नाउ दूसरा एग्जेम्पशन है, अगर इकोनॉमिक बेनिफिट हम, अगर इकोनॉमिक बेनिफिट हमको नहीं मिल सकते, वी कैन नॉट रिपैट्रिएट अमाउंट फ्रॉम दी सब्सिडरी, मतलब बगदाद में है, ठीक है, वहां से कोई पैसे हमको आ नहीं सकते। अगर ऐसा है कि वहां से हमको कोई पैसे आ नहीं सकते, उसको कंसोल्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो लिखा है वहां पर टेम्पररी होल्डिंग है AS 21 के हिसाब से। ये पहली कॉन्ट्रोवर्सी डिस्कस करी थी। फिर दूसरा पॉइंट, दो एग्जेम्पशन है, टेम्पररी होल्डिंग तो कंसोल्टेशन नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन रिपार्टिशन ऑफ फंड्स है, पैसे नहीं आ सकते, तो फिर कंसोल्टेशन करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट क्लियर? तो कितने एग्जेम्पशन है AS 21 में, दो, टेम्पररी होल्डिंग एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू रिपैट्रिएट फंड्स फ्रॉम दी सब्सिडरीज। इंडियस में कितने एग्जेम्पशन है सर, ओल्ड कोर्स वाले ने पढ़ना क्या, पढ़ना ओल्ड कोर्स में क्वेश्चन था, ये करेक्ट, ओल्ड कोर्स में क्वेश्चन था। इंडियस के हिसाब से 3 एग्जेम्पशन है। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट एंटिटीज, अगर इन्वेस्टमेंट आपका काम है, मेन काम, अगर मेन काम आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट, और आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपने उसको कंट्रोल करने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं किया, फाइनेंस करने के हिसाब से किया, उसको कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एम्प्लॉय पेंशन के लिए कोई पेंशन फंड मैनेज करने के लिए कोई कंपनी बनाई है, कोई कंपनी बनाई है एम्प्लॉय के, अरे किसके लिए, एम्प्लॉय के पेंशन के मैनेज करने, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए कुछ बनाया है, उसको भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, या पढ़ते हो कंपनी लॉ में, अगर इंटरमीडिएट है, कौन है साहब, इंटरमीडिएट, आपको पता है इंटरमीडिएट सब्सिडी होती है, यस नो, ठीक है, ऊपर होल्डिंग है, नीचे और एक सब्सिडी, तो बीच में कौन है, इंटरमीडिएट सब्सिडी, उसको भी कंसोलिडेशन से एग्जेम्पशन मिल सकता है, उसको भी कंसोलिडेशन से एग्जेम्पशन मिल सकता है।
प्रोवाइडेड उसके शेयर होल्डर कोई ऑब्जेक्शन ना ले और उसकी होल्डिंग कंपनी ने कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। वैसा सेम एग्जेम्पशन कहां पे? इंड एएस। एएस में कितने एग्जेम्पशन? सब जवाब देंगे, सब जवाब देंगे। एएस में कितने? दो। पहला टेम्पररी होल्डिंग एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ फंड्स। इंडियस में कितने? तीन। नंबर वन इन्वेस्टमेंट, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट और इंटरमीडियरी। अब सुनो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन था टेम्पररी होल्डिंग है, आंसर एज पर यस एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में लिस्ट और रीजन दे दो। सेम क्वेश्चन पूछा, कॉपी पेस्ट, आखिरी में वर्ड बदल दिया, आंसर एज पर इंडियस, कहानी बदल गई। इंडियस में तो भाई साहब टेम्पररी होल्डिंग का एग्जेम्पशन है ही नहीं। बच्चे छाप के आए खटाखट, अरे इजी आंसर, इजी करेक्ट। तो वहां पे हो गई गड़बड़, वहां पे इंडियस के हिसाब से, और ये ओल्ड कोर्स में पूछा, न्यू कोर्स में भी नहीं, ओल्ड कोर्स में क्वेश्चन पूछा था, तो वहां लिखना था भाई साहब कि ये तो एएस के, इंडियस के हिसाब, एएस के अंदर तो ऐसा, सॉरी इंडियस के अंदर तो ऐसा कोई एग्जेम्पशन नहीं है, तो सब्सिडरी का कंसोलिडेशन चलता रहेगा, इट इज नॉट एग्जेम्प्ट। सही है। अरे वही मैं समझा था पहले, प्रैक्टिस मैनुअल में घुमाई फिराई लैंग्वेज में ऐसा लिखा होता था कि शेड्यूल थ्री का कंप्लायंस करो अल्टीमेटली, तो वही मैं समझा रहा हूं कि वो गलत लिखा होता था कि अगर एग्जेम्पशन मिल गया तो एग्जेम्पशन मिलेगा, कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स टू अकाउंट में लिस्ट और रीजंस दो। जो प्रैक्टिस मैनुअल में घुमा घुमा के बात लिखी थी, अल्टीमेटली शेड्यूल थ्री फॉलो करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, वो गलत बात है, समझ रहे हैं? लेट्स फ्रीज। कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है? कंसोलिडेशन। उसमें पहली कॉन्ट्रोवर्सी थी, एग्जेम्पशन मिला तो मिलेगा, कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा था एग्जेम्पशन एज पर एस 21 इज डिफरेंट, एज पर इंडिया इज डिफरेंट। आपको ध्यान देना है कि भाई एग्जेम्पशन किसके हिसाब से पूछा है, उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। फोर फोर्टी पे आओ, अति अति सिंपल आंसर। ध्यान देंगे, कंसोलिडेशन में पैरेंट कंपनी की जिम्मेवारी क्या है? इससे आसान और कुछ हो नहीं सकता, सुन लेंगे। पैरेंट कंपनी की जिम्मेदारी क्या है? ग्रुप के अंदर कितने कंपोनेंट्स है, कितनी सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर है, उनको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद में सब लोगों को इन्फॉर्म करके उनकी इंफॉर्मेशन ऑप्टेन करना, ईयर एंड में सबकी बैलेंस शीट पीएनएल ऑप्टेन करना विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन लेकर आना। लेके आने के बाद अगर वो फॉरेन करेंसी में होंगे, अगर किस में होंगे, फॉरेन करेंसी, उसको इंडियन करेंसी में लाना। उसके बाद अगर गैप अलग अलग होगा, वो भाई सबको समझता ना गैप, हम चल रहे इंडिया पे, वो चल रहे यूएस गैप पे, तो गैप के एडजस्टमेंट देना। फिर हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी करना, कॉमन सेंस है, प्रैक्टिकल थोड़ा सोच के देखो, पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे, कॉम्पोनेंट्स, फिर उनसे क्या मंगाएंगे, इंफॉर्मेशन, अगर फॉरेन करेंसी में होगा तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, फिर गैप एडजस्टमेंट, फिर हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी करेंगे, फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, कंसोलिडेशन, ऐड करेंगे चीजों को, कंपोनेंट जितने भी है सबको क्या करेंगे, ऐड, उसमें कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स करेंगे। ऐड किया सबको, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन बैलेंसेस को उड़ाओ। आखिरी में दो स्पेशल बातें,
रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बढ़ जाएंगे। एक अकेली कंपनी के रिपोर्टेबल सेगमेंट्स तो जरूरी नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है बोले काय का सेगमेंट, लेकिन जब पूरे ग्रुप को कंसोलिडेट करते तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग अच्छे से देखना चाहिए। और दूसरा बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कंसोलिडेशन का रिलेटेड पार्टी पे, पार्टीज है ही नहीं, कंसोलिडेट हो गई ना तो बहुत सारी पार्टीज डिलीट होती है। अरे समझ रहा क्या, जागो रे, थोड़ा सा ब्रेक ज्यादा मिल जाता है सब खा पी के आते और ढेर। तू पढ़ा, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन टीचिंग, तेरा कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होना चाहिए बोले, हमारा छोड़ देखते रहेंगे बना। अरे कुछ समय बाद सर अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में, ठीक है। स्पेशल बहुत बड़ा दो नोट्स पे बहुत फर्क पड़ता है, सेगमेंट रिपोर्टिंग और रिलेटेड पार्टीज। तो यही अच्छे से इंस्ट्रक्शन देना, उनको समझाना क्या क्या जानकारी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन लाना, ये जिम्मेदारियां है किसकी भाई साहब, रिपोर्टिंग किसकी, पैरेंट कंपनी की, वो बात समझाई थी सीक्वेंस में सारी बात। 43 पे आई है, 443 क्वेश्चन नंबर 27, इसको पेज नंबर 27 सॉरी, देखो भावना है, ठीक है, जहर फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, नहीं। नाउ लिसन, रिपोर्टिंग बाय ऑडिटर ऑफ पैरेंट कंपनी, ऑडिटर ऑफ पैरेंट कंपनी सुन लेंगे। सिचुएशन नंबर वन, पैरेंट कंपनी का ऑडिटर और सब्सिडरी का ऑडिटर दोनों भी सेम है, तो इसमें नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल रिपोर्टिंग होती है। सारे एविडेंस इकट्ठा करने के बाद ऑडिटर को बताना है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर एप्लीकेबल लॉ एंड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और वहां बताना पड़ता है वेदर बैलेंस शीट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, वेदर पीएनएल इज प्रॉपर, वेदर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रॉपर, बिल्कुल वैसी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, नो चेंज, नथिंग स्पेशल। समझा क्या साहब, यहां पे वही पे, नथिंग स्पेशल। जानकारी इकट्ठा करो, एविडेंस लो, ओपिनियन बनाओ और लिखो एज पर एक्ट बराबर है, एज पर FRF बराबर है, एंड दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, कुछ भी नहीं। अब पैरेंट कंपनी के ऑडिटर इज नॉट सेम, पैरेंट कंपनी का ऑडिटर और सब्सिडरी का ऑडिटर सेम नहीं है, तो आपको 706 के हिसाब से क्या डालना पड़ेगा, OMP अदर मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ आपको डालना पड़ेगा। अदर मैटर पैराग्राफ में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, ये कंपोनेंट्स, इतने कंपोनेंट्स है जिसका ऑडिट हमने नहीं किया, किसी और ने किया है, क्वांटिफाई करना पड़ेगा, उसके टोटल रेवेन्यू कितना था, टोटल एसेट कितने थे, टोटल प्रॉफिट कितने थे, टोटल कैश फ्लो कितना था, क्वांटिफाई करना पड़ेगा, या तो अमाउंट में बताओ या तो परसेंटेज में बताओ, और बताओ कि भाई ये ऑडिट हमने नहीं किया, किसी और ने किया, हमने सिर्फ उनकी ऑडिट रिपोर्ट ली, उसको स्टडी किया, उसके बेसिस पे हमने हमारा ओपिनियन दिया है। समझा क्या साहब, फर्स्ट सिचुएशन क्या थी, ऑडिटर कैसा है सेम, दूसरा है कैसा है डिफरेंट। अब फिर ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग, FRF अलग है, क्या अलग है, FRF मतलब अकाउंटिंग का तरीका अलग है, होल्डिंग चलती इंड एस पे, और आपका सब्सिडरी है US में बैठा, वो चलते हैं US गैप में। सुनो अब, तो दो अप्रोचेस है, बहुत आसान से दो अप्रोचेस। पहला, US में सब्सिडरी बैठी है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया में लाओ, पहले उसको फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन से इंडिया में इंडियन करेंसी में लाओ, यस नो, फिर आने के बाद में उसमें एडजस्टमेंट्स करो, गैप एडजस्टमेंट्स बोलते हो, क्या बोलते हैं, गैप एडजस्टमेंट्स, गैप एडजस्टमेंट्स करो,
हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी करो, ठीक है, और अभी जितने भी चेंजेस हुए इसका ऑडिट करेगा पैरेंट कंपनी का ऑडिटर। कौन करेगा? पैरेंट कंपनी का ऑडिटर। पहला अप्रोच है, अगर गैप अलग है, अगर एफआरएफ अलग है, तो पहला अप्रोच है आप पैरेंट कंपनी के पास लेके आओ, सारे कन्वर्जन्स पैरेंट कंपनी के यहां कराओ, उसका ऑडिट भी पैरेंट कंपनी से कराओ और फिर उसको कंसोलिडेट कर दो। दिस फर्स्ट अप्रोच, समझा क्या? फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, शॉर्ट में अगर समझना है, एवरीथिंग एट पैरेंट कंपनी, सारे कन्वर्जन्स और ऑडिट कहां पे होगा? पैरेंट कंपनी पे। सेकंड ऑप्शन है, ये सबसे पॉपुलर है और अक्रॉस द वर्ल्ड यही किया जाता है, बोले पगला जाएंगे पहले ऑप्शन में, हमारे पूरे दुनिया में 50 सब्सिडरी है, भाग जाएगा पैरेंट का ऑडिटर। तो बोले नथिंग डूइंग, ऐसा नहीं होगा। जो बड़े बड़े जो अब क्या सुनो, जो वर्डिंग यूज करते भी समझता नहीं जनता को, ठीक है, मैं बोलना था अभी, मतलब फिर भाव को जाएंगे, ध्यान दें। तो सेकंड ऑप्शन है, बड़े बड़े जो एमएनसी ग्रुप्स है वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं यार यार मेरी 50 सब्सिडरी है, ये 50 के 50 अलग डायरेक्शन में भागते हैं, कोई क्या लॉ फॉलो करता, क्या एफआरएफ फॉलो करता, सब 50 के 50, माथा खराब कर दिया बोले। तो सबको एक मेल लिखते हैं, डियर सब्सिडरीज, वी अंडरस्टैंड दैट यू मेक योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर लोकल लॉ रूल्स रेगुलेशन एंड एफआरएफ एंड देन यू सबमिट टू द लोकल अथॉरिटीज एंड लोकल गवर्नमेंट, दैट्स रियली ग्रेट, ठीक है, फॉर पीस ऑफ माइंड एंड ईज वी आर डेवलपिंग ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसीज, हमारे पूरे ग्रुप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इसलिए ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी बना रहे। ये ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी पैरेंट कंपनी जो है उसके हिसाब से बनती है, पैरेंट कंपनी की जो पॉलिसीज है, पैरेंट कंपनी का जो एफआरएफ है, उसके हिसाब से वी आर डेवलपिंग ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसीज, हियर इज द अटैच ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी, प्लीज रीप्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड गेट देम ऑडिटेड अगेन फ्रॉम योर लोकल ऑडिटर एंड देन सेंड इट टू अस। तो पहले वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते अपने नॉर्मल, फिर से बनाते एज पर ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसका फिर से ऑडिट भी करवाते फ्रॉम द सेम लोकल ऑडिटर और उसकी रिपोर्ट भी आती, और फिर वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं एज पर ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसीज, 50 के 50 एकदम सेम आते, सेम एफआरएफ, पीस ऑफ माइंड, सीधा उसको ऐड करना। तो ऑप्शन टू है, सारे कन्वर्जेंस कहां होंगे? एवरीथिंग एट कॉम्पोनेंट, और ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी चलेंगे। ऐसा बहुत पीसफुल है साहब, दिस इज अ परफेक्ट अप्रोच, और अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसे ही होता है। इसलिए आई डोंट नो, इंडिया में आपने देखा होगा अगर कोई एमएनसी की सब्सिडरी है तो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, एक पहले इंडियन रिपोर्टिंग के लिए और फिर फॉरेन रिपोर्टिंग के लिए, समझाए क्या साहब? Which is preferred? Second. अब अगर ऑडिटिंग फ्रेमवर्क अलग है, ऑडिटिंग फ्रेमवर्क अलग है, हम लोग चल रहे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में, और वो जो फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं वो अलग है, तो क्या होगा? तो हमारी तरफ से रिक्वेस्ट जाएगा, हमको तो हम फॉलो करते स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पेरेंट कंपनी में, विच आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो You guys should follow either Indian standards या international standard, either of them. लेकिन तुम कुछ अलग ही follow कर रहे, ठीक है? Ugandan standards है बोले तुम्हारे, ठीक है? तो बोले अब ये तुम्हारे जो standards है, बोले they are not suitable for us. हम उस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते. आप audit करो as per standards on auditing, international standards on auditing and send it to us. We'll rely on the report. अगर आप हमको हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट करके नहीं देंगे, ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारे
well, it should be as per Indian GAS, generally accepted auditing standards. Generally accepted auditing standards. उसके हिसाब से चाहिए बोले, अगर नहीं होगा तो हम उस कंपोनेंट को अनऑडिटेड मानेंगे. दैट विल बी कंसिडर्ड एज अनऑडिटेड. अच्छा, अगर कंपोनेंट का ऑडिट ही नहीं हुआ तो वहां पे हमको देखना पड़ेगा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, कितना बड़ा कंपोनेंट था वो, कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो. अगर बहुत ही बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और आपने इतनी बड़ी चीज का ऑडिट नहीं किया तो क्वालिफाइड डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, मॉडिफाई द ओपिनियन. बात समझ रहे सर? बहुत बड़ा है तो मॉडिफाई, और अगर छोटा मोटा कंपोनेंट है या तो चुप बैठो या तो ओएमपी डाल सकते हैं, मतलब लेकिन लिखा नहीं वहां पे, छोड़ो एक्सनोलॉजी ध्यान देंगे. कंसोलिडेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहले कॉन्ट्रोवर्सी पढ़ी, फिर एएस वर्सेस एंड एएस, फिर हमने देखा पेरेंट कंपनी, करेक्ट, पेरेंट कंपनी के बाद फिर अभी क्या देखा, रिपोर्टिंग. बीच में और कुछ देखा था नहीं, बस बहुत है तो. नहीं, बैंक वर्ल्ड अभी नहीं है, लास्ट. नहीं, पीयर रिव्यू नहीं कराए, पीयर रिव्यू अरे जो जमता है वो ना कराए. पीएसयू एनबीएफसी क्या भूल जाते तो फिर पढ़ाओ ही मत बोले. कि करा दो, अच्छा करा दो ऐसा बोले. क्या वो हो गया पूरा 300-315 में? अच्छा ओके, लिसन, सब करोगे. आपका एक प्लानिंग वाले चैप्टर में कुछ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में, उसको आप छोड़ सकते हैं. ऑडिट ऑफ फर्टिलाइजर कंपनी, पूरे आंसर में एक भी बार फर्टिलाइजर वर्ड यूज नहीं किया, बस भावना है. ऑडिट ऑफ फर्टिलाइजर कंपनी, ऑडिट ऑफ पेट्रोलियम कंपनी. तो पहले जब एमसीक्यू नहीं हुआ करते थे तो ये क्वेश्चंस थोड़े पॉपुलर थे, ठीक है. तो अगर जो अति 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 बड़े क्वेश्चन अगर है तो उसको आप ड्रॉप कर सकते हो. अल्ले अगर आपके पास समय है पढ़ो, ठीक है. हाँ बहुत बढ़िया, वो स्टैंडर्ड्स के आंसर में सर. हाँ वो भी सही है, उसमें भी छाप सकते हैं, सही है, बहुत बढ़िया. ओके ध्यान देंगे, हो गए अभी बकवास हमारे. पीएसयू पे आइए, पीएसयू एनबीएफसी और बैंक ऑडिट. और मैं फाइव नाइन सेवन पेज नंबर 136. पहला अति अति सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट आर पावर्स, ठीक है, व्हाट आर पावर्स ऑफ सीएनएजी. सुनो ध्यान देंगे, मैं एक सीक्वेंस में बता रहा हूं, याद हो सकता है वैसा, देख लो.
अब वो डायग्राम भी उतना नहीं डाला हुआ है, छोड़ ध्यान देंगे सीक्वेंस समझो भाई। ऑडिटर को अपॉइंट करने का पावर किसके पास है? सीएनए जी। किसके पास साहब? सीएनए जी। अपॉइंट करने के बाद उसको डायरेक्शंस देना कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये किसके पास है? सीएनए जी। उसको काम करना पड़ता है उसके हिसाब से। उसके बाद उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ती है, उसमें एक सेक्शन डालना पड़ता है एक्शन टेकन रिपोर्ट, वो सबमिट भी किसको करना है? सीएनए जी। एक कॉपी आती है कंपनी को, एक कॉपी किसको? सीएनए जी। समझ रहे भाई? अपॉइंट करने का पावर सीएनए जी, डायरेक्शन देने का पावर सीएनए जी, एक्शन टेकन रिपोर्ट भी किसके पास आएंगी? सीएनए जी। एंड कंपनी के पास भी आता है एक कॉपी। फिर पढ़ के 60 दिन का टाइम है, ये जो तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट है तुमने थोड़ा कम बातें लिखी है, तो सीएनए जी के पास पावर है क्या करने का? कमेंट, जो बातें तुमने लिखी है उसके ऊपर मैं मेरी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं, तो कमेंट करने का पावर 60 दिन के अंदर कमेंट करने का पावर किसके पास है? सीएनए जी। मैं नई बातें लिखना चाहता हूं, उसको बोलते सप्लीमेंट करना, कमेंट करने का पावर सीएनए जी, सप्लीमेंट करने का पावर सीएनए जी। बोले ठीक है डन, सप्लीमेंट भी कर दिया। फिर नहीं नहीं बोले, मजा ही नहीं आ रहा ऑडिट में। बोले एक काम करो, किसी और हम एडिशनल ऑडिट कराते, उसको सप्लीमेंट्री ऑडिट हम किसी को अपॉइंट करेंगे, उसको इंस्ट्रक्शन दें, किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, कंपनी के ऑडिटर या किसी और को, सीएओ ऐसा लिखा भी नहीं जरूरी, किसी को भी अपॉइंट करके वो क्या करवा सकते, सप्लीमेंट्री ऑडिट, हम इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा ऑडिट करके दे दो, डन। ओके अगर ऐसा लगा नहीं नहीं हम खुद ऑडिट करना चाहते हैं, वी आर सेल्स विल चेक कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, उसको बोलते हैं टेस्ट ऑडिट। और जब टेस्ट ऑडिट वो करते हैं, सीएनए जी जितने भी ऑडिट करता है सबकी रिपोर्ट जाती है, सबकी रिपोर्ट जाती है, पार्लियामेंट में पेश होती है, अलग अलग कमिटीज के थ्रू कहा जाती है साहब, पार्लियामेंट में, इट गोज टू पार्लियामेंट, करेक्ट, दैट इज टेस्ट ऑडिट। लेट्स फ्रीज, ध्यान देंगे, अपॉइंट करने के पावर सीएनए जी, डायरेक्शन देने का पावर सीएनए जी, रिपोर्ट सबमिट किसको होंगी? सीएनए जी। फिर रिपोर्ट पढ़ने कितने दिन का टाइम है? 60 दिन का टाइम है। मजा नहीं आया, कमेंट, मजा नहीं आया, सप्लीमेंट, ये सबको सर्कुलेट करना पड़ता है, कमेंट एंड सप्लीमेंट। और मजा नहीं आया, सप्लीमेंट्री ऑडिट। और मजा नहीं आया, खुद करो टेस्ट ऑडिट। ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट पे हो। अब सुनो साहब, अब समझे होंगे तो बहुत बढ़िया, पूरा गेम फ्लो का है। लेसन ध्यान देंगे, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट मतलब अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट ना लकीर का फकीर है, वो चार पांच, वो 20-25-30 पेजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आजू बाजू घूमता रहता, बस ये भरोसेमंद है कि नहीं है। हमको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए ऐसा कर कि भाई पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सारे एस्पेक्ट चेक कर कि कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट है। अब सुनो, एक सीक्वेंस में पढ़ो तो सब याद होगा। अरे वह सीक्वेंस दी हुई है पहले से। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग इन और बराबर काम कर रहा है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब सक्सेसफुल होता है तो फिर नया प्रोजेक्ट क्या होता है? प्लान। आपको नया प्लान बनाना है तो उसकी प्लानिंग की क्या, प्लानिंग करने के बाद प्रोजेक्ट का फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन होता है, बराबर प्लान को बनाया क्या, बनाने के बाद देखते कितना खर्चा लगा और कितना सोचा था, कोई बहुत बड़ा चेंज तो नहीं है। अब प्लान फिर शुरू होगा, फिर देखते हैं कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितनी इनके पास कैपेसिटी थी, जितना सोचा था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर प्रोडक्शन हुआ तो उसके कॉस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं है, कॉस्ट कंट्रोल बराबर चल रहा है ना, कॉस्ट कम करने के लिए सारे वेस्टेज अनप्रोडक्टिव जो टाइम है उसको कम कर रहे हैं ना, फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है वो इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल बन रहा है ना, बेचने के बाद में प्लान रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और सिस्टम सब खत्म होने के बाद सिस्टम का रिपेयर्स और मेंटेनेंस चल रहा कि नहीं चल रहा। देखो एक सीक्वेंस में अरेंज किया सारे पॉइंट, पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, उसके बाद प्रोजेक्ट की प्लानिंग, फिर उसका फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन के बाद ओवरऑल कॉस्ट का कंपैरिजन, अब प्लान बना बहुत बढ़िया, फिर नेक्स्ट प्रोडक्शन बराबर हो रहा कि नहीं हो रहा, उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल,
वेस्टेज को कम करो, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल। बेचने के बाद क्या बनना चाहिए? प्लान रेट ऑफ रिटर्न। और सब होने के बाद रिपेयर्स एंड, इतनी बातें देखनी पड़ती है कॉन्सल्ट में, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में। बात समझिए, सब ध्यान देंगे। सुनो, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑडिट प्लानिंग। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करते उसके सारे एस्पेक्ट्स चेक करते, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। अब यहां पे जब किसी गवर्नमेंट स्कीम या फिर गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है, उसको टारगेट करते और सिर्फ इतना फोकस है कि उसका प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव करना, प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव करना, ठीक है। दैट इज हाउ टू बेसिकली तीन ई पे ध्यान देते हैं वो लोग, इकोनॉमिकल, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमिकल मतलब कम से कम खर्चे में रिसोर्सेस को अक्वायर करना। एफिशिएंट मतलब रिसोर्सेस का बेहतरीन यूज करना, इनपुट आउटपुट रेशियो इंप्रूव करना। इफेक्टिवनेस मतलब बेस्ट क्वालिटी, लेस टाइम एंड बेस्ट सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए सामने वाले को। पर्पस शुड बी अचीव। परफॉर्मेंस ऑडिट में किस पे ध्यान देते हैं? थ्री ई फॉर इकोनॉमिकल, देन ई फॉर एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन, ई फॉर इफेक्टिवनेस। सुनो, दो क्वेश्चन ही फेमस है, इश्यूज एड्रेस्ड इन परफॉर्मेंस ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट की प्लानिंग। बस दो ही क्वेश्चन आए, इसके बाहर आया तो पैसे वापस प्रोपोर्शनेटली। मैडम नहीं बन सकते आप पॉलिटिशियन बराबर स्पीच कर, ठीक है। नहीं नहीं, ऑनेस्टली बन सकते हैं, नो कमेंट्स, ध्यान देंगे। लिसन, दो क्वेश्चन मैंने बोले, एक यह आता है 599.20 और ये आता है 600 में इश्यूज एड्रेस्ड। बराबर, हमने सही बात है ना, अपडेशन में आएगा ना, अपडेशन में चेंजेस डाला हुआ है जो सही नहीं था उसका आंसर। अरे हाँ ना, वही तो वो बराबर अपडेशन में वो डाला हुआ है और उसका आंसर गलत हो गया था। अगर आप साइट पे जाएंगे, अगर कोई भी डाउट है आपको, ये कॉन्सेप्ट नंबर डालेंगे 600 599.20 करेक्ट, उस क्वेरी को 1000 व्यूज है, मतलब वो हर बुक में गलत प्रिंट हुआ था और उसका आपका सही आंसर हमने साइट पे डाला हुआ है, ठीक है, डाला नहीं था इसलिए मैंने अभी मार्क किया उसको। मैंने सिर्फ वो अभी भी पढ़ाने वाला हूँ वो मार्क इसलिए कि अभी पढ़ा रहा था कि परफॉर्मेंस ऑडिट में सिर्फ दो क्वेश्चन फेमस है। पहला है इश्यूज एड्रेस। इश्यूज एड्रेस में तीन बातें समझानी पड़ती, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमने जो टॉप 150 और टॉप 250 क्वेश्चन अभी जो करवा रहा हूं मैं, इसमें आरटीपी और एमटीपी ऑफ मे 20 कवर्ड नहीं है। मतलब अच्छा, हम लोग लेकिन क्या करते वो मैं आपको बता रहा हूं। वेन एवर आरटीपी कम्स और एमटीपी कम्स, हम एक लिस्ट बनाते कौन सा क्वेश्चन कौन से सीएनओ से मैच हो रहा है। उससे समझ में आता है एक दो क्वेश्चन ही नए हैं, या फिर आप वो क्वेश्चन फिर क्वेश्चन बैंक में फटाफट मार्क कर सकते हैं कि इसको भी कौन से लिस्ट में डाल दो, इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डाल दो। समझ रहे क्या भाई? वेरी गुड। ध्यान देंगे परफॉर्मेंस में कितने क्वेश्चन है साहब? इश्यूज एड्रेस्ड, तीन इश्यू एड्रेस होते, कौन से? इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। और अब आता है प्लानिंग। और देखो क्या बताऊं मैं आपको, क्वेश्चन क्या पूछा है,
प्लानिंग अ परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, और पूरे आंसर में शुगर इंडस्ट्री या फिर उससे नजदीक भी कुछ भी नहीं है, गन्ना भी नहीं अच्छा उससे भी खास, पूरे क्वेश्चन में गवर्नमेंट वर्ड भी नहीं है और सीएजी वर्ड भी नहीं है, है क्या? अरे है सर, अरे दूसरे किसी क्वेश्चन में नहीं तो यानी बहुत खतरनाक लोग है। चलो सीएजी तो बहुत अच्छी बात है, तो अच्छा मतलब नहीं, जो बच्चे ने पहली बार क्वेश्चन पढ़ा वो शुगर इंडस्ट्री के बारे में लिख किया था शुगर इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं लिखना, ऐसे परफॉर्मेंस ऑडिट प्लानिंग का स्टैंडर्ड आंसर बना हुआ है। अच्छा उससे भी खास बात ध्यान देंगे, यहाँ पे डस्टर वैसा खाट खाट है, ठीक है हाँ ध्यान देंगे। देखो मैं सुर लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ओके इन्होंने ये जो आंसर ड्राफ्ट किया है दैट इज कीपिंग इन माइंड अ गवर्नमेंट स्कीम, जैसे मनरेगा स्कीम है, मनरेगा स्कीम है आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, किसके लिए साहब? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, कि विलेजेस में उनको तय करना है कि उनको विलेज में किस चीज की जरूरत है, रोड की जरूरत है कि हॉस्पिटल की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है वो आप खुद तय करो, स्कूल की जरूरत है, फिर प्रोजेक्ट बनाओ अप्रूव कराओ और आप लोग ही बना दो, आपकी इनकम हो जाएगी, डेवलपमेंट भी हो जाएगा और कमाई भी हो जाएगी, बोथ द थिंग्स विल हैपन, तो मनरेगा स्कीम है। तो स्कीम्स का परफॉर्मेंस ऑडिट कैसे प्लान करना उसको ध्यान में रखकर ये पॉइंट्स लिखे हैं, जब ऐसा सोचोगे तब समझेगा। और क्वेश्चन पूछा है शुगर इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस ऑडिट का प्लानिंग, इसलिए मैं बोल रहा था महान आत्माएं हैं, ठीक है ध्यान देंगे। लिसन, तो तीन हेडिंग में उसको बांटा है, पहले इंफॉर्मेशन, पहले भाई साहब स्कीम को समझ लो, मैंने बोला गवर्नमेंट स्कीम को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है, गवर्नमेंट स्कीम का ऑडिट कैसे करना उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम, अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला प्रोग्राम है, डन। अंडरस्टैंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कौन सा एक्ट है, कौन से रूल्स रेगुलेशन है वो समझ लो, फिर देन मिनिस्ट्री इस स्कीम को कंट्रोल कैसे करता है, मैनेजमेंट कंट्रोल, कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है मिनिस्ट्री में, कौन से लोग ये स्कीम को चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल समझो। तो पहले जाके प्रोग्राम को समझो, उसके लीगल रिक्वायरमेंट्स को समझो, मिनिस्ट्री कैसे उसको मैनेज करता है वो समझो, उसके बाद अब स्ट्रेटेजी बनानी है आपको, तो प्रीवियस ऑडिट में क्या प्रॉब्लम्स नजर आए थे, क्या इश्यू रेज हुए थे वो समझ लो स्ट्रेटेजी बनाने के वक्त, ठीक है। क्राइटेरिया क्या यूज करें, क्राइटेरिया मतलब विच इज यूज फॉर कंपेरिजन, बेंचमार्क होता है, क्राइटेरिया मीन्स बेंचमार्क, कि अगर मुझे देखना है कि मनरेगा स्कीम बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है तो इसका परफॉर्मेंस मैंने किस चीज से कंपेयर करना चाहिए, पिछले साल से कंपेयर करना चाहिए, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में वो जो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है उससे मैंने कंपेयर करना चाहिए, तो क्राइटेरिया क्या है वो देखो, क्राइटेरिया सेट करो। अच्छा जो यूजर्स है मोदी जी को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, पोटेंशियल यूजर्स जो रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं व्हाट इंफॉर्मेशन दे वांट वो सोच लो, तो स्ट्रेटेजी बना मतलब ध्यान देंगे। जब आप सोच रहे हैं कि क्या प्लानिंग में कैसा होना चाहिए, किसके बारे में सोचो पहले, प्रीवियस ईयर में क्या गलतियां थी, क्या प्रॉब्लम्स थे वो, देन उसके बाद के लिए कंपैरिजन के लिए क्राइटेरिया क्या यूज होना चाहिए, एंड फिर पोटेंशियल जो यूजर्स है उनको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर फाइनली प्लान बनाओ, डेटा कहां से आएगा, कलेक्टर ऑफिस से आएगा, डेटा कलेक्टर ऑफिस से आएगा, कितने रिसोर्सेस लगेंगे उसको प्लान में लिख दो पूरा, दिस इज प्लानिंग परफॉर्मेंस ऑडिट। पहले जानकारी लो, स्ट्रेटेजी में आते हो कुछ बातों को ध्यान में रखो,
फाइनली प्लान बनाओ, डेटा कहाँ से आएगा, कितना स्टाफ लगेगा और प्लान कैसे बनेगा। कौन सीएनओ 601 पे आइए। प्रोप्राइटी ऑडिट ध्यान देंगे तो आपके दिमाग में से अलग अलग कंपार्टमेंट्स, पूरा टॉप टू बॉटम सारी बातें चेक करनी, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। तीन ई को इंप्रूव करना है, दैट इज परफॉर्मेंस ऑडिट, एंड परफॉर्मेंस ऑडिट कैन हैपन फॉर अ कंपनी ऑल्सो एंड फॉर अ स्कीम ऑल्सो। नाउ व्हाट इज प्रोप्राइटी, प्रॉपर वर्ड का नाउन होता है प्रोप्राइटी। पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, जब पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को पकड़ते इज इट प्रॉपर, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटी ऑडिट। जैसे अगस्ता वेस्टलैंड स्कीम है, तो अगस्त हेलीकॉप्टर था, तो उसके जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन था अगर वो चेक करना है, दैट इज प्रोप्राइटी ऑडिट। दो मुद्दे, प्रोप्राइटी ऑडिट क्या बोलता है, गो बियॉन्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। बस रूल्स एंड रेगुलेशन के भी आगे जाकर सोचो, आगे जाकर आपको सोचना है इज इट गिविंग रियल बेनिफिट, क्या लोगों को रियल बेनिफिट, कॉमनली ये कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इज इट गिविंग रियल बेनिफिट। इज इट गिविंग रियल बेनिफिट, और क्या पब्लिक इंटरेस्ट में है, क्या बात, क्या पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट मिल रहा है क्या। प्रोप्राइटी ऑडिट मतलब गो बियॉन्ड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड थिंक इज इट गिविंग रियल बेनिफिट एज पर कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड, इज इट अच्छा बेनिफिट दे रहा है क्या ये, और दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट में है क्या। एग्जाम्पल के तौर पर ठीक है, स्कूल बनाई आपने, स्कूल बनाई, चार फोर स्टोरी स्कूल बनाई, लेकिन उसके लिए रास्ता ही नहीं बनाया, ठीक है, रास्ता मतलब कच्चा रास्ता था, अब बारिश का सीजन आया वो रास्ता भी गायब हो गया, स्कूल यूज ही नहीं कर पा रहे। इट इज माना रूल्स रेगुलेशन एकदम सही लिए होंगे, सब कुछ सही किया आपने, लेकिन अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा दैट इज नॉट प्रॉपर। आपने बिल्डिंग बनाई टेलीफोन एक्सचेंज के लिए आपने बिल्डिंग बनाई और आप उसमें फिर कैंटीन चला रहे, दैट इज नॉट प्रॉपर, ठीक है। अच्छा प्रॉपर क्या है, इट्स अ वेरी बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव मैटर है, कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है। महाराष्ट्र में मुंबई में 5,000 करोड़ का शिवाजी महाराज का स्टैचू बन रहा है, इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर। वहां पे बोलते हैं कि भाई यहाँ पे गरीबों को पैसे नहीं है, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, उसमें यूज कर डालो, क्या वेस्ट कर रहे हैं, बात सही है आपकी। फिर बोलते हैं 5,000 रुपए खर्च होंगे तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बात भी सही है, और उससे कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, कंटिन्यूअसली फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेनर आधा दिन ज्यादा रुकेगा, बोले वो भी सही है, और बोले हमारा कल्चर है, हम क्यों इंपॉर्टेंस ना दें, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का कल्चर है, उनका नाम है, वी शुड बी नोन फॉर अवर कल्चर। रशिया में इंग्लिश नहीं चलती, रशियन बात करते हो, इंग्लिश तुम्हारी लैंग्वेज होंगी, बोले तुम्हारी किताबें क्यों पढ़ेंगे हमारे बच्चे, तुम्हारे थॉट्स क्यों पढ़ेंगे, रशिया की जो कल्चर है, रशिया में जो थॉट्स है वो किताबें पढ़ेंगे, देर पूरे पूरी वेबसाइट भी बनेगी रशियन लैंग्वेज में, करेक्ट। तो बोले हम हमारे कल्चर को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे, बोले सही है, दोनों सही है, प्रॉपर कौन है। तो सीएनएजी के सामने ट्रांजैक्शन वेदर इट इज प्रॉपर और नॉट क्यों बताया मैंने, क्योंकि इसीलिए फिर उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए, कोई खर्चा प्रॉपर है कि नहीं अगर ये समझना है तो बोले कुछ हमने सिंपल प्रिंसिपल्स बनाए। देखो बहुत कॉमन सेंस है, नंबर वन, कोई भी ट्रांजैक्शन प्राइमा फेसी मोर देन द ऑकेजन डिमांड, 1-1 करोड़ की गाड़ियां खरीदेंगे बोले एमपी एमएलए के लिए, ओ भाई साहब प्राइमा फेसी देख के समझ में आ रहा है कि अति है ये, तो दैट इज नॉट प्रॉपर, बोले ये प्रॉपर नहीं है भाई, ठीक है। तो
तुमने सोच समझ के तुम खर्चा नहीं कर रहे, खुद का खर्चा करना है तो 10 शोरूम घूमोगे गाड़ी के लिए, 10 वेबसाइट पे देखोगे क्या फीचर है, और यहाँ पे गाड़ी खरीदना है तो आधे घंटे में डिसीजन ले लिया बोले, तो यू आर नॉट टेकिंग द सेम केयर विच यू टेक वेन यू डू पर्सनल एक्सपेंडिचर, तो बोले इट इज नॉट प्रॉपर। प्राइमा फेसी खर्चा ज्यादा कर रहा है तो नॉट प्रॉपर, केयरफुली नहीं कर रहे तो नॉट प्रॉपर, सारे डिसीजन ऐसे ले रहे जिससे खुद को फायदा हो, खुद की शोरूम की, खुद के पास एक कार की डीलरशिप है फैमिली के पास में, वहां से लो फॉर ओन एडवांस। गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है, खुद के बेनिफिट, सारे जो डिसीजन ले रहे खुद के बेनिफिट के लिए ले रहे हैं, तो दैट इज नॉट प्रॉपर। पर्टिकुलर पर्सन ग्रुप, पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी रिलीजन, उनके लिए ही सिर्फ अगर आप कर रहे हैं तो बोले दैट इज नॉट करेक्ट, वो भी सही नहीं है, पब्लिक एट लार्ज के लिए होना चाहिए। और जो भी खर्चा कर रहे हैं उसमें करप्शन का स्कोप नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने सैलरी से ज्यादा उनको बेनिफिट मिले उसका स्कोप नहीं होना चाहिए। ध्यान देंगे, बहुत आसान है। बोले कौन सा खर्चा प्रॉपर है, प्राइमा फीस ज्यादा होना नहीं चाहिए, अगर ज्यादा है तो इट्स नॉट प्रॉपर, केयरलेसली किया है तो प्रॉपर, अब खुद के एडवांटेज के लिए डिसीजन है तो नॉट प्रॉपर, पर्टिकुलर पर्सन ग्रुप कम्युनिटी के लिए नॉट प्रॉपर, और फिर अगर लोग इसको यूज करके पैसा कमा रहे, ब्राइब करप्शन कर रहे हैं तो अगेन इट इज नॉट प्रॉपर, उसमें अगर लूप होल है तो। खर्चा करने के लिए आपने बिल का रिक्वायरमेंट नहीं रखा है, किसको जा रहा पैसा, हु नोस, कैश पेमेंट अलाउ कर दिया है तो बोले इट इज नॉट प्रॉपर। तीन तरह के ऑडिट यहां पे मैं देखे, कॉम्प्रिहेंसिव, परफॉर्मेंस एंड प्रोप्राइटी। ये रोल ऑफ फाइनेंशियल कमिटी 604.01। क्या सीएजी का, सीएजी का, हाँ। अब ये जो क्वेश्चन है, देखो बच्चे डाउट पूछते हैं तो मुझे समझ में आता है कि हाँ भाई इंस्टीट्यूट ने जो आंसर, बाप रे बहुत सारे डाउट पेंडिंग है। क्या है उसका कॉन्सेप्ट नंबर, तो अगर आप साइट पे जाओगे तो डिस्कशन पॉइंट करके एरिया है, यहाँ पे ऑलरेडी 3-4,000 क्वेरी सॉल्व है। देखो बच्चे बराबर सीएनओ नंबर से पूछते हैं कि भाई सीएनओ 400 में ये डाउट है एंड सो ऑन, और अभी पेंडिंग है डाउट्स। तो अगर मैं सिर्फ सीएनओ नंबर डाल रहा हूँ 604, क्योंकि मेरे को याद है मैंने सॉल्व किया था, तो आपको क्वेरी आ जाएगी। तो वहां पे 2 CNO पे किसी ने डाउट पूछा हुआ था, तो रिसेंट वाला अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो मैंने वो सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, और आप भी लिख दो वहां पे अभी, मतलब अब मैंने उसको सिंप्लीफाई करके लिखा है कि क्या है, हेडिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट, इट शुड बी फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंस कमिटी एंड रोल ऑफ सीएनएजी। पार्लियामेंट में फाइनेंस कमिटी कैसे काम करती है एंड वॉट रोल इज प्लेड बाय सीएनएजी। तो सुनो, आपके पार्लियामेंट में 3 तरह की फाइनेंशियल कमिटीज होती है, एक होती है पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, जो डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट पढ़ती है, एक होती है सीओपीयू, कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अरे बचपन में पढ़ा है आपने, कुछ भी मत बोलो बोले, अरे बहुत आसान है, सुनो एक कमिटी, अरे फटाफट लिख देना पीएसी आरओ डिपार्टमेंट ऑब्लिक मिनिस्ट्री लिखो, कहां लिखे हैं कैसे कैसे लिखे, मतलब क्या होगा आप, मतलब इंग्लिश में लिखो, अल्फाबेट्स लिखो इसको
पीएसी डैश, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑब्लिक मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑब्लिक मिनिस्ट्री, उसके बाद उसके सीओपीयू डैश, सीओपीयू दैट इज उसके आगे डैश गवर्नमेंट कंपनी स्लैश कॉरपोरेशन। देखिए क्या है ये, पब्लिक अकाउंट्स कमिट, पब्लिक एक तीसरा एस्टिमेट्स कमिटी भी, पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी है क्या है साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, उसका काम है सुनो सीएजी जितने भी रिपोर्ट्स बनाता है उसको स्टडी करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए कमिटी है, पीएसी कमिटी। मिनिस्ट्रीज की जितनी भी रिपोर्ट्स आती है वो कौन स्टडी करेगा, पीएसी कमिटी। जैसे टेलीकॉम स्कैम था पीएसी कमिटी ने स्टडी किया था, कोल स्कैम था पीएसी कमिटी ने स्टडी किया था। फिर सीओपीयू है, कौन है साहब, सीओपीयू कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। लिसन, गवर्नमेंट कंपनी की रिपोर्ट है, कोल इंडिया की रिपोर्ट है, कौन पढ़ेगा, सीओपीयू। अब सुनो क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में वो ये पूछना चाहते हैं कि ये कमिटीज क्या रोल प्ले करती है और इसमें सीएजी क्या करता है। तो आपको लिखना है, सुन लो पहले डिस्कशन, पार्लियामेंट में कमिटीज बनी हुई हैं जो सीएजी, जो सीएजी की रिपोर्ट सिलेक्ट करती है, सीएजी की रिपोर्ट सिलेक्ट करती है कि हम लोगों ने सीएजी की कौन सी रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद सीएजी जाता है कमिटी में और उसको रिपोर्ट समझाता है पॉलिटिशियंस को कि देखो ये इस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, ये इस कंपनी की रिपोर्ट है, ये उसमें मुद्दे मिले थे, ये उसमें प्रॉब्लम्स मिले थे। ही गोज एंड हेल्प्स कमिटी टू अंडरस्टैंड हिज रिपोर्ट्स एंड इश्यूज इन्वॉल्व। फिर ये कमिटीज क्वेश्चन पूछती है मिनिस्ट्रीज को कि ये गलती क्यों हुई और कैसे हुई, क्यों ये गलती, इसका जवाब दो, कैसे तुम इसको रेक्टिफाई करोगे और अगली बार होनी नहीं चाहिए ये गलती। फिर मिनिस्ट्री उसका एक्सप्लेनेशन जवाब देते, तो वो एक्सप्लेनेशन पढ़ना, जवाब पढ़ना, समझना और फिर कमिटी को समझाना, ये भी सीएजी डिपार्टमेंट का काम है, सीएजी का काम है, समझाता है रिपोर्ट की भाई क्या क्या बोल रहे हैं लोग, व्हाट दे आर सेइंग, और सही में उन्होंने एक्शन लिया कि नहीं लिया। तो सीएजी प्लेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंस कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट। समझ रहे के साहब, सिलेक्शन के बाद रिपोर्ट्स को समझाना, मिनिस्ट्रीज से क्या सवाल पूछना बताना, मिनिस्ट्रीज के जवाब को समझना, मिनिस्ट्रीज की एक्शन टेकन रिपोर्ट को समझना, ये पूरा काम कौन करता है, सीएनएजी, और कमिटीज को समझाता है। हवा लेके साहब, ऐसा करने से मिनिस्ट्रीज, ऐसा करने से सीएजी की रिपोर्ट को और इंपॉर्टेंस मिलता है पार्लियामेंट में, और मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट कंपनीज कॉरपोरेशन सब डर के रहते हैं कि भाई सीएजी रिपोर्ट को अच्छे, सीएजी रिपोर्ट को लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये कमिटीज और पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा। ये बात आंसर में लिखी है। बात समझी क्या सब, हाँ वहां पे आप लिख दो रेफर साइट, रेफर ऑडिट गुरु साइट भी क्या करेंगे, श्रद्धानुसार तीसरी कमिटी होती है एस्टिमेट्स कमिटी। भाई ये दोनों कमिटी तो कब काम कर रही है, खर्चा होने के बाद, क्या सेंस बनता है ऐसा, तो बोले खर्चा होने के, तो बोले खर्चा होने के बाद में डजंट मेक सेंस, तो खर्चा होने के पहले जो सजेस्ट करे बजट में कैसे खर्चा करना, दैट इज एस्टिमेट्स कमिटी। एनबीएफसी पे चलो,
बोले मैंने बोलना बंद कर दिया, बोले अच्छा वाला जहर सुनाओ, बोले ब्रेक ब्रेक अभी तो दी थी। क्या इग्नोर कर चले, एक पीछे ही पढ़ के सुनाना पड़ेगा। क्या क्या सुना दो, मैं ही सह नहीं सकता खुद का गाना। बाकियों को तो सवाल ही नहीं उठता है, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे कैसे लोग हैं, नागिन का सुना दो बोले। अच्छा नागिन से सुना, सर गाना सुना था, वेरी गुड। नहीं मेरी आवाज बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब, साइलेंसर फटा हुआ एकदम, तो चांस ही नहीं। चलो मैं सुना रहा हूं, अरे गाना नहीं रहा, वो भी टेंशन में आ गया। अभी तक के बोले जहर सुना रहे, ये ना हो पाएगा बोले। चलो तो कोई एग्जांपल में किसको लेंगे बताओ फटाफट। हाँ सर का नाम बताओ। तो आदर्श सर हमारे, हाँ होनहार बुद्धिमान शक्ति आदर्श सर हमारे, तो जब ये छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे, मतलब बहुत ही छोटे, जब नैपी में घूमते थे। अच्छा उनको खुद को ही शर्म आ रही, मैं नैपी में गए ध्यान। तो जब छोटे बच्चे थे तो हाँ, तो सर को बोनविटा बहुत पसंद है, अभी पसंद है, बहुत बढ़िया, जहर और महसूस होगा। हाथ से छोड़ देगा। ये सही था। तो बच्चों ने बहुत बोनविटा की बोतल से खेलते रहते, उसको ओपन करना, उसको खाना, उनका बहुत शौक था। फिर उससे खेलते 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 एक दिन, ठीक है, इतना फास्ट फॉरवर्ड नहीं करेंगे। इतने जल्दी ऐसे बड़े होते तो बात ही कहते। हाँ तो वो बॉटल गिर गई, प्लास्टिक की बॉटल थी, वो खिड़की से नीचे गिर गई। तो ये इनको बहुत दुख हुआ कि क्या अब ये, तो बच्चे थे ना कुछ बोल नहीं सकते ऐसे। तो रो दिए बहुत, थोड़ा बहुत रो दिए, और उसके बाद चल दिए। अब क्या होता कि वो एक काली कलर की बिल्ली रहती, काली बिल्ली, वो देखती इस बॉटल को, तो धीरे धीरे हाँ म्यू म्याऊ कर लो सब, धीरे धीरे आती और फिर थोड़ी देर देखती क्या है, एक सर्कल, फिर उसको ढकेलते ढकेलते थोड़े दूर लेके जाती, 500 मीटर। फिर उसके बाद एक गड्ढा खोदती, वहां पे वो बॉटल को वहां पे डंप कर देती, मिट्टी डाल देती, फिर उसके ऊपर बैठती 15-20 मिनट, कोई देख तो नहीं रहा, और उसके बाद चली जाती। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? लोग अब डरे हुए हैं, सन्नाटे में बोले जब ये महसूस होगा बोले तो जीने की इच्छा खत्म हो सकती बोले।
बता भाई, वो आदर्श खुद कंफ्यूज है, बचपन में पता नहीं मैंने क्या क्या किया बोल। चलो कोई कुछ क्यों होता है ऐसा सब, चलो मैं बताता हूं, कमजोर दिल वाले खुद को संभाल लेंगे। इट वॉज बाउंड टू हैपन, ऐसा होना ही था। इट इज क्योंकि सब जगह पे लिखा हुआ है कैडबरीज बूनविटा। सर पूछ रहे आपकी इंस्पिरेशन कौन ने बोले, ऐसी इंस्पिरेशन कौन ने बोले, किसका साया आपके ऊपर पड़ा बोले। क्या किसका साया पड़ा? चलो पढ़ा अभी तक वीर इन सीए फाइनल, सीए फाइनल में थे तो पहला पेपर था और सब दोस्त लोगों ने तय किया था जल्दी मिलेंगे, एक घंटे पहले ही मिलेंगे। तो कोई नींद में से उठ के आया है, किसी की आंखें नहीं खुल रही है, दाढ़ी बड़ी हुई है, कोई स्लीपर और पैजामे में घूम रहा है, समझ भी नहीं आ रहा। तो फिर वहां पे सब खड़े, तो मैंने बोला कि बॉस मेरे को एक सीक्रेट टू मेमोरी मिल गया है, पढ़ो दिमाग में फिट बैठ जाता। तो सब दोस्त ऐसे मानते नहीं, लेकिन रैंक वैंक आया था पहले तो दो गाली देके बोला साल पहले क्यों नहीं बताया, बोला मेरे को भी अभी पता चला। ठीक है चल बता, बोला देखो जब भी पढ़ते अपन तो बहुत केयरफुली गर्दन का एंगल 30 डिग्री सेट करना, तो सब दिमाग में फिट बैठ जाता। साला ये देख रहे हैं मेरे को बहुत सीरियसली देख रहे, फिर उनको समझ में आया मैं पागल बना रहा हूँ। तो बैग वैग छोड़ के मार बोले इसको, मार बोले इसको मार, पहले टेंशन है बोले, इतना फटावा सुना रहा। तो मैं भाग रहा हूँ पूरे वो कॉलेज के ग्राउंड में, दोस्त भी भाग रहे पीछे। मैंने फिर पकड़ा मेरे को, बोला देख कपड़े मत फाड़ना और राइट हैंड मत तोड़ना, बोला लेफ्ट जो करना है कर ले चल जाएगा। तो इसमें आधा घंटा पौन घंटा इसमें सब में चला गया, और बाकी जो थे बाकी बच्चे सब देखे थे, बोले इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, बोले पागल हो गए प्रेशर में इधर उधर भाग रहे, बोले वो चिल्ला रहे। बट देन वी रियलाइज्ड वी वेर रिलीव्ड एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड। मतलब हमारे ग्रुप की ताकत थी, पढ़ाई जितनी भी करते थे लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, एंड दे न्यू हाउ टू मैनेज द मेंटल हेल्थ एंड दे वॉन्ट। समझ में आ गई, अगली बार से चुपचाप एक घंटा पहले सब पहुंचते थे और इतना टाइम पास करते थे, इतना टाइम पास, और उसमें बच्चों के मजे ऐसे गए भाई ये पढ़ा क्या, मैंने भी नहीं पढ़ा। थोड़ी देर बाद पहले टेंशन ले लिया उसने, अरे मैंने भी नहीं पढ़ा बोले। फिर बच्चे बोलना देखो दीवार को हाथ लगाए तो 5 मार्क बढ़ते, अरे बच्चे टेंशन में इतने प्रेशर में रहते, बोले हाथ लगा के आऊ की नहीं आऊ। उसके मजे ले रहे समझ रहा उसको, लेकिन उसके दिमाग में 5 मार्क फर्क पड़ जाएगा। नागपुर चिपक के जाओ बोले, हाथ लगाने से 5 मिल रहे हैं, चिपक जाओ 50 मिल जाएंगे। बट देन इंपॉर्टेंट वॉज, इसलिए तो कुछ बच्चे होते हैं जो मरमर के 10 पढ़ते हैं और फिर जात में जब परफॉर्म करना रहता तो इतने प्रेशर में रहते हैं कि वो बड़ी मुश्किल से 2-3 वापस रिकॉल कर पाते। कोई तो बच्चे बढ़ते 5 लेकिन लिख के आते 10, तो हमको लगता था कि वो हमारी स्ट्रेंथ है। एकदम टेंशन फ्री होके जाना, ना पास्ट का गिल्ट चाहिए, आदि जनता तो ना मिस्टेक्स गिल्ट में पड़ी हुई है। ठीक है देयर इज नो मिस्टेक, अरे पढ़ाई नहीं की, ये नहीं हुआ वो नहीं, ऐसा कर लेता ये बुक पढ़ लेता वो बुक पढ़ लेता, ऐसा इसमें जनता फंसी भी रहती। फिर मेरे बॉस ने मेरे साथ गलत किया, उसने छुट्टी नहीं दी, ये वो फलाना, उसमें ही फंसे हुए। देर आर नो मिस्टेक्स, देर इज नो रिग्रेट, देर इज ओनली लर्निंग और आगे बढ़ने का। तो हम टेंशन फ्री होके जाते थे, क्योंकि टेंशन फ्री होते थे जितना हमने पढ़ा है पूरा रिप्रोड्यूस कर पाते थे, इनफैक्ट जो नहीं भी पढ़ा है वो भी रिप्रोड्यूस कर पाते थे। तो ये बहुत जरूरी है, इसको माइंड गेम रहता है सीए एग्जाम्स में,
और उसको जीतना बहुत जरूरी है. एंड द ओनली वे इज आप एक गुड स्लीप, पढ़ाई करना बंद कर दो आप 1 घंटे पहले, 1-2 घंटे पहले बंद कर दो. एंड यू हैव टू फोकस ऑन समथिंग एल्स एंड यू शुड एंजॉय टॉक टू पीपल. ये जरूरी है. आखिरी मोमेंट तक पढ़ते ना, मतलब तुम तुम्हारे दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे रहे, तू गधा है, तू पढ़, तू खुद पे नहीं क्या, कोई भरोसा मत कर, तू सिर्फ पढ़ता ही रहे. तूने जो पहले पढ़ेगा उस पर भी भरोसा मत करो. फिर बच्चे बोलते सर आखिरी में मैंने जो पढ़ा था ना उसमें से आया. हाओ मतलब 6 महीने जो पढ़ा था उसमें तो कुछ आया ही नहीं. मतलब इसका मतलब तेरे को सिर्फ आखिरी आखिरी का याद था, पहले का कुछ याद ही नहीं था. और बच्चे पहले ही मेंटली ड्रेन्ड हो जाते, इतना प्रेशर लेके जाते, पहले ही 3-4 घंटे इतना पढ़ डालते कि दे आर कंप्लीटली ड्रेन्ड. मतलब पढ़ाई करके भी उनको पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता. तो वहां से शुरू किया था कि बहुत जरूरी है माइंड रिलैक्स रखना. तो माइंड रिलैक्स कैसे रखना, जहर जहर की भी ऑडियो बना दो. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अच्छा परम जहर. इसको ग्रहण करने के बाद आप दुनिया को अलविदा कह दोगे जल्दी. परम जहर, बाप रे, ध्यान देंगे. एनबीएफसी ध्यान देंगे. आई विल बिल्कुल सही बात है सर, आप सही सोच रहे, ध्यान देंगे. रिसेंटली अभी एनबीएफसी क्लासिफिकेशन, 3 एनबीएफसी को कंबाइन करके एक नई कैटेगरी बनाई है. पहले इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी और एसेट फाइनेंस कंपनी, ये तीनों कंपनी को कंबाइन कर दिया है और एक नई कंपनी बनाई, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, आईसीसी. तो पहले उनके पॉइंट्स थे हाउ टू डू ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, फिर पॉइंट था हाउ टू डू ऑडिट ऑफ लोन कंपनी, उन्होंने दोनों को ऐड कर दिया हाउ टू डू ऑडिट ऑफ आईसीसी. अरे सुनो, कितनी कंपनीज मर्ज हुई, 3. कौन सी? इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी और एसेट फाइनेंस कंपनी. कुछ लोग मनी मन, मेरे को तो पहले 3 क्या होते वही नहीं मालूम, बोले तो मर्ज वर्ज हो उससे क्या फर्क पड़ता है मेरे को. ध्यान देंगे, जो नाम में लिखा है बस उतना ही मतलब है उसका, ज्यादा लोड मत लो, कोई डेफिनेशन पूछने नहीं वाला. जिसका मेन काम इन्वेस्टमेंट करना है, जिसका मेन काम लोन, मतलब लोन कंपनी इज अ रेसिडुअल कैटेगरी. अगर आप किसी और कैटेगरी में नहीं आते तो आप किस में आते हो? लोन कंपनी. एसेट फाइनेंस कंपनी नाम में जो लिखा है वैसे ही. तो तीनों को मर्ज करके आईसीसी उन्होंने बनाया. अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इन्वेस्टमेंट कंपनी का ऑडिट कैसे करना, या लोन का, जो फेमस क्वेश्चन है उनके, इन्वेस्टमेंट कंपनी का ऑडिट कैसे करना, लोन कंपनी का ऑडिट कैसे करना, हायर परचेस कंपनी का ऑडिट कैसे करना, लीज कंपनी का ऑडिट कैसे करना, ये इनके फेमस क्वेश्चंस है. और मैं आपको फिर बता दूं, जैसे लास्ट हम लोगों ने इंश्योरेंस में देखा था, यू हैव टू सिंपली स्टिक टू वन पर्टिकुलर फ्लो एंड इट विल बी मच बेटर. ध्यान देंगे, तो यहां पे वो सारे आंसर्स लाइन से है. और फिर इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी भी लिखा हुआ है. 520.05 को मार्क करो. और सुन लीजिए, नाउ अब इसमें 2 डिविजन्स है. कुछ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट कंपनी के और कुछ पॉइंट है लोन कंपनी के. अब इन्वेस्टमेंट कंपनी के पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट
तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, इन्वेस्टमेंट कंपनी सबसे इम्पोर्टेंट पहले चीज तय करती होगी कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना। सबसे पहला उनका डिसीजन रहता होगा बाइंग डिसीजन। कौन सा डिसीजन साहब? बाइंग डिसीजन। बाइंग डिसीजन और सेलिंग डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो एज अ ऑडिटर हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले बाइंग एंड सेलिंग के बारे में, कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कैसे चेक करेंगे? कोई भी बाइंग और सेलिंग अगर हुआ है तो सबसे पहले उसका बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ होगा। क्या पास हुआ होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। तो बहुत आसान, इन्वेस्टमेंट कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले डिसीजन होता है बाइंग और सेलिंग का। आपने चेक करना चाहिए उसको बोर्ड मिनट से। किसे चेक करना चाहिए? बोर्ड मिनट, कि भाई बोर्ड मिनट से चीजें मैच हो रही है क्या। बोर्ड मिनट से मैच करो, सही में इतना बाइंग सेलिंग, इतने ये पर्टिकुलर शेयर, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी अप्रूव किया गया था क्या, और क्या बोला था, लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा। फिर खरीदते कुछ बातों का ख्याल, कुछ बातें हमने और चेक करनी चाहिए। बोले कौन सी बातें? कंडीशन वाइल परचेसिंग दिया है, देखो वहां पे। सबसे पहले कोई भी एनबीएफसी कंपनी बाइंग के बारे में सोचती है तो आप देखो बाइंग के अप्रूवल्स है क्या है। फिर खरीदते वक्त उनको कुछ बातें सोचनी चाहिए, जैसे अगर ग्रुप कंपनी है। कौन है साहब? ग्रुप कंपनी। तो ग्रुप कंपनी के शेयर्स को सही वैल्यूएशन पे खरीदा गया है ना? किस पे खरीदा गया है? सही वैल्यूएशन पे खरीदा गया है ना? ठीक है। अगर पैसा लगा है अनकोटेड डिबेंचर्स या बॉन्ड में, क्या बोला सर? अनकोटेड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। अनकोटेड मतलब जो लिस्टेड नहीं है, तो केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपने पैसा लगाया अनकोटेड डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, तो वो हो सकता है नेचर ऑफ लोन हो। सपोज सामने ने प्राइवेट प्लेसमेंट किया कंपनी, क्या किया? प्राइवेट प्लेसमेंट। 99% हमने ही खरीदे और उन्होंने वो पैसे से प्रोजेक्ट लगाया। अरे बोलने के लिए डिबेंचर रही है, इट इज इन, इट्स लाइक अ लोन। तो खरीदते वक्त ध्यान देना चाहिए कि कोई नेचर ऑफ लोन तो नहीं है, तो उसको लोन ट्रीट करना पड़ेगा। पहले बाइंग डिसीजन होता है। हाँ भाई, डिसीजन परमिशन ले लिए, बहुत बढ़िया। अच्छा एक पॉइंट रह गया, डिसीजन लेने के बाद ब्रोकर को बोलते खरीद ले मेरे बिहाफ में, तो आपने चेक करना चाहिए ब्रोकर्स नोट और कॉन्ट्रैक्ट नोट। ब्रोकर्स नोट और कॉन्ट्रैक्ट नोट, सबको पता है भाई ब्रोकर क्या भेजता है? ब्रोकर्स नोट, कॉन्ट्रैक्ट नोट, वहां से मैच हो रहा है ना। बिल भेजता है पीरियोडिकली, वहां से मैच हो रहा है ना। अब खरीद लिया, हमारे पास में शेयर्स और बॉन्ड्स पड़े। बॉन्ड्स, जितने भी बॉन्ड्स और डिबेंचर है, उसका इंटरेस्ट बुक होना चाहिए अक्रूअल बेसिस पे। किस पे साहब? अक्रूअल बेसिस पे। जो भी डिविडेंड है वो बुक होना चाहिए किसके ऊपर? डिक्लेरेशन बेसिस पे। डिक्लेयर हो गया तो उसको बुक करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है तो उसको कैसे बुक कर, उसका डिविडेंड कैसे बुक करना चाहिए? रिसीट बेसिस पे। दैट शुड बी ऑन रिसीट बेसिस। डिबेंचर बॉन्ड में अक्रूअल बेसिस, डिविडेंड डिक्लेरेशन बेसिस, और म्यूचुअल फंड का डिविडेंड इट शुड बी ऑन रिसीट बेसिस। जिस दिन पैसे मिलेंगे उस दिन ही होना चाहिए। उसमें भी ध्यान रखें, अगर कोई इन्वेस्टमेंट एनपीआई हो गया, क्या हो गया? एनपीआई मतलब नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट, तो हमको रिसीट बेसिस पे शिफ्ट होना पड़ता है। किस पे? रिसीट बेसिस। अब साल का एंड आया, वेरीफाई कर लो इन्वेस्टमेंट की लिस्ट को, वेरीफाई कर लो, फिजिकल सर्टिफिकेट्स रखे। फिजिकल क्या रखे? सर्टिफिकेट्स। अगर हमारे पास नहीं है, कस्टोडियंस के पास है, बहुत महंगे अगर शेयर, तो किसके बोलते हैं? कस्टोडियन। तो उनसे आप कंफर्मेशन ले लीजिए, उससे मैच कर लीजिए। डिपॉजिटरी के पास है तो उसके स्टेटमेंट से मैच कर लीजिए। अच्छा वेरीफाई हो गया, वैल्यूएशन चेक करिए। प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं, क्या होते हैं? प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं, आरबीआई ने इशू किए प्रूडेंशियल नॉर्म्स की वैल्यूएशन कैसे होना चाहिए। उससे अगर वो नहीं लगता तो AS 13 के हिसाब से करवाइए। और इन्वेस्टमेंट में खास बात है, एक नया काम है सब, बहुत बढ़िया एक्चुअली, करना चाहिए सब। अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सपोज आपके पास है 50 लाख के, कितने? 50 लाख पड़े हैं आपके पास। एक काम करो, मार्केट में एक शेयर ब्रोकर है, उसको मार्जिन देनी पड़ती स्टॉक एक्सचेंज को। क्या देनी पड़ती? मार्जिन। 50 लाख की मार्जिन दिए स्टॉक एक्सचेंज में सौदा धंधा करने के लिए। बैंक से लोन उठाया उसने, 50 लाख का बैंक से क्या उठाया? लोन। साल का 5 लाख रुपए इंटरेस्ट दे रहा है, कम ले रहा हूं मैं भी, 8 लाख रुपए दे रहा होगा। उस ब्रोकर को बोलो, ओ भाई एक काम करना, 8 लाख रुपए तो बैंक को देता नहीं, एक काम कर, मेरे
जो शेयर्स है तेरे को देता हूं मैं, तू शेयर्स जमा कर दे स्टॉक एक्सचेंज में, तेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन में पैसे दिए भी चलते और शेयर्स दिए भी चलते, शेयर्स दे दे, तेरा साल का कितना बच जाएगा इंटरेस्ट, 8 लाख का, 4 मेरे को दे दे, मेरी तो एक्स्ट्रा इनकम है ना, मैं मेरे शेयर्स का डिविडेंड जो कमाऊंगा वो मेरा है, एप्रिसिएशन है जो वो मेरा है, और ऊपर से मैंने देखो सिक्योरिटीज लेंडिंग की उसके चार्जेस भी मेरे, मेरी तो कमाई बढ़ गई ऐसी बैठे बैठे। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है अपने जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो मार्केट में लेंड करते और कभी कभी उनको जरूरत रहती है तो बोरो भी करते, तो देखना चाहिए उसके चार्जेस बराबर रिसीव और पे हुए ना, और खास ये देखना चाहिए जो सिक्योरिटीज दी थी वही सिक्योरिटीज वापस आई है ना, और उसके डिबेंच उसका डिविडेंड उसका बोनस उसके राइट सब आपके हैं, भले ही उसको टेम्परली किसको मिले होंगे ब्रोकर को, लेकिन सब आपके, समझ रहे सब। अब सुनो वापस ध्यान से सुनो, कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी जब शुरू होती है तो सबसे पहले उनको डिसीजन लेना पड़ता है खरीदने का, तो आप जाके चेक करो बोर्ड मिनट्स में बराबर डिसीजन है ना, वहां से चीजें मैच हो रही है ना, डिसीजन लेने के बाद ब्रोकर को कॉन्टैक्ट करते होंगे, ब्रोकर के कॉन्ट्रैक्ट नोट ब्रोकर्स नोट बिल में चीजें मैच हो रही है ना, खरीदते वक्त सोचते होंगे ग्रुप कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में वो देखा ना, खरीदते वक्त सोचते होंगे अनकोटेड डिबेंचर्स कहीं ये लोन तो नहीं है वो देखा ना, खरीदने के बाद उनको क्या मिलता होगा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, उसकी बातें की हमने, डिबेंचर बॉन्ड का इंटरेस्ट, शेयर्स का डिविडेंड, म्यूचुअल फंड का डिविडेंड, आखिरी में जो शेयर्स बच जाते हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, और फिर स्पेशल पॉइंट है सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग, उसका पैसा बराबर लिया दिया ना, और जो सिक्योरिटीज दिए थे वही मिले ना वापस, और कोई अगर मार्केट में दिए हुए तो उसका आप क्या ले सकते हो कन्फर्मेशन। व्हाट आई वांट टू से, पहले डिसीजन की बात करो, डिसीजन लेते वक्त की चीजें की बातें, उसके बाद डिविडेंड और इंटरेस्ट, आखिरी में वैल्यूएशन वेरिफिकेशन वैल्यूएशन, और फिर स्पेशल पॉइंट। अब सुनो ये तो भी एक था इन्वेस्टमेंट कंपनी का, अब मैं ओरली बता रहा हूं और ये हमारे बैंक ऑडिट के क्वेश्चन में आता भी है, तो वहां से वापस लिख दो, रेफर बैंक ऑडिट लोन क्वेश्चन। सुनो ध्यान दो, किसी ने आपको अब लोन कंपनी के बारे में पूछा, एक सिंपल फ्लो है, पहला कोई भी लोन कंपनी है अगर आप जाके चेकिंग कर रहे हो लोन कंपनी बराबर काम कर रही है, इन्होंने अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर बनाया ना फॉर गिविंग लोन, पहले जन पॉइंट, कोई भी लोन अगर देते पहले क्या आता होगा एप्लीकेशन, हमको लोन चेक करना है, हम देखेंगे लोन का एप्लीकेशन आया था ना, एप्लीकेशन के साथ में क्या आए थे डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स हमने वेरीफाई किए ना, ठीक है, वेरीफाई करने के बाद सोचते हैं सामने वाले का क्रेडिट वर्दीनेस, क्या सोचते हैं क्रेडिट वर्दीनेस, उसकी ताकत है क्या रिपेमेंट करने की, क्रेडिट मतलब लोन, क्या उसको लोन देना चाहिए, ताकत है क्या रिपे करने की, क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में सोचते हैं, फिर उससे सिक्योरिटी मांगते हैं, क्या मांगते हैं सिक्योरिटी, सिक्योरिटी शुड एग्जिस्ट, इट शुड बी वैल्यूएबल, इट शुड बी लीगली एनफोर्सेबल, बोले अच्छी सिक्योरिटी है, फिर क्या डिडक्ट करते मार्जिन, क्या डिडक्ट करते मार्जिन 20%, 30%, 40%, 50%, फिर एक सीनियर ऑफिशियल क्या करता ऑथराइजेशन, क्या करता साहब ऑथराइजेशन, फिर क्या साइन होता अग्रीमेंट, अरे फिर क्या साइन होता अग्रीमेंट, फिर लोन क्या होता डिसबर्स, लोन क्या होता साहब डिसबर्स। सुनो थोड़े पॉइंट्स कम ज्यादा हुए तो चलेगा, आप एग्जैक्ट नहीं कर सकते, क्विकली पहले क्या होना चाहिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, लोन में क्या आते हैं एप्लीकेशन, और क्या आते हैं डॉक्यूमेंट्स, सब देख के हम क्या सोचते क्रेडिट वर्दीनेस, उसके बाद क्या मांगते हैं सिक्योरिटी, इट शुड बी इट शुड एग्जिस्ट, इट शुड बी वैल्यूएबल, इट शुड लीगली एनफोर्सेबल, बोले बहुत बढ़िया, फिर क्या डक करते हैं मार्जिन, फिर कौन क्या होता ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन के बाद में क्या बनता अग्रीमेंट, क्या बनता साहब अग्रीमेंट, फिर लोन क्या होता डिसबर्स, फिर रेगुलरली क्या मिलते हैं इंस्टॉलमेंट,
उसकी क्या होती साहब, अकाउंटिंग। अगर रेगुलरली नहीं मिलेगा, डिफॉल्ट होगा, तो उसको क्या क्लासिफाई करेंगे, एनपीए। उसका क्या बनाएगा, प्रोविजन। और आखिरी में डिस्क्लोजर होगा कितना सिक्योर्ड है, कितना अनसिक्योर्ड है, और कितना प्रोविजन फॉर एनपीए है। और स्पेशल पॉइंट, खुद के शेयर्स के बेसिस पे लोन दे नहीं सकते। अगर आप ऐसे पॉइंट्स को जनरेट करोगे तो बहुत अच्छे पॉइंट्स जनरेट होंगे और रिलेवेंट पॉइंट जनरेट होंगे और आप उसको अच्छा आंसर लिख पाओगे। आई एम टेलिंग यू हाउ टू जनरेट दीज पॉइंट्स। और यही याद रखने का तरीका है, बच्चे जो बोलते ना एक बार रीड मार लिया, अधूरी पढ़ाई है वो। हाउ आई एम गोइंग टू जनरेट पॉइंट्स एंड हाउ आई एम गोइंग टू रिटेन, कुछ तो तरीका होना चाहिए, थोड़ा बहुत पॉइंट को रिटेन करो, चलो एग्जैक्ट नहीं। तो बच्चे खासकर थ्योरी पढ़ते वक्त कभी ये बहुत कम सोचते हैं कि मैं इसको याद कैसे रखूंगा, हाउ आई एम गोइंग टू रिमेंबर दिस थिंग। दे बोले बस सर रीड मार लिया। अगर आप थोड़ा सा सोच लो ना कि याद कैसे, कोई फ्लो मिल जाए, कोई तरीका मिल जाए, कुछ तो मिल जाए जिसे याद रखूं, तो आपका रिटेंशन ड्रास्टिकली इंप्रूव हो सकता है। तो आप ये लोन कंपनी में देखो, इन्वेस्टमेंट कंपनी में भी एक फ्लो था, उसमें भी एक फ्लो था, पहले डिसीजंस लेना, उसके बाद में कमाई होना, उसके बाद में ईयर एंड आना और एक स्पेशल पॉइंट। लोन में भी एक फ्लो है, ऐसे ही फ्लो आपका है, हायर परचेस और लीजिंग दोनों सेम आंसर है, सुन लो, उसका भी फ्लो सुना रहा हूं सिर्फ एक बार, ठीक है, ध्यान देंगे। एक काम करो, रिकॉर्ड कर लो मोबाइल में, कर लो रिकॉर्ड। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। एनबीएफसी में ऑडियो रिकॉर्ड करो, वीडियो की जरूरत नहीं है। एनबीएफसी में जो आपके बड़े आंसर्स है उसका मैं फ्लो आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके दे दे रहा हूं। ये फ्लो में अगर आप पढ़ेंगे तो रिटेंशन अच्छा रहेगा। पहला आपका था इन्वेस्टमेंट कंपनी, पहले इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस होते हैं, बाइंग डिसीजंस, तो देखना चाहिए बोर्ड में अप्रूवल हुआ ना, अप्रूवल के बाद में फिर ब्रोकर को कॉन्टैक्ट करते हैं, तो देखो ब्रोकर्स नोट से चीजें मैच हो रही है ना, कॉन्ट्रैक्ट नोट से मैच हो रही है, उसके बिल से मैच हो रहा है ना। खरीदते वक्त कुछ बातों के बारे में सोचना चाहिए, अगर ग्रुप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वैल्यूएशन बराबर है ना। अगर अनलिस्टेड बॉन्ड्स में अगर पैसा लगा रहे, तो वहां पे ध्यान होना चाहिए कि कहीं पे ये लोन नेचर का तो नहीं है। अब खरीदने के बाद साल भर इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा, तो बॉन्ड्स डिबेंचर का इंटरेस्ट अक्रूअल बेसिस पे, शेयर्स का डिविडेंड डिक्लेरेशन बेसिस पे, म्यूचुअल फंड का जो डिविडेंड है वो आपका रिसीट बेसिस पे होना चाहिए। देखना चाहिए कोई एनपीए एनपीआई तो ना बन जाए, तो रिसीट बेसिस पे शिफ्ट होना पड़ता है। अब साल का एंड आएगा, साल के एंड में फिजिकल वेरिफिकेशन जो अपने चेक करना वेरीफाई करना पड़ेगा, जो हमारे पास है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, जो कस्टोडियन के पास है उसका कंफर्मेशन ले लो, थर्ड पार्टी के पास है, डिपॉजिटरी के पास है उसका स्टेटमेंट देख लो, फिर वैल्यूएशन एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ आरबीआई और एएस 13 के हिसाब से होना चाहिए। स्पेशल पॉइंट था, सिक्योरिटी लेंडिंग या बोरोइंग की है तो उसके चार्जेस रिसीट पेमेंट बराबर हुआ है ना, और अगर किसी और के पास रखा हुआ आज के डेट में तो कंफर्मेशन लेना चाहिए कि सही में इतना सिक्योरिटी उनके पास में रखा हुआ है ना। दिस वॉज फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। फिर लोन कंपनी का फ्लो था, पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना हुआ होना चाहिए, हर लोन का एप्लीकेशन आना चाहिए, एप्लीकेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स को देखकर लोगों ने क्रेडिट वर्दीनेस अच्छे से चेक करना चाहिए कि इसको कितना लोन मिलना चाहिए, फिर उससे सिक्योरिटी मांगनी चाहिए। सिक्योरिटी शुड एग्जिस्ट, इट शुड बी लीगली एनफोर्सेबल एंड इट शुड बी वैल्यूएबल। सिक्योरिटी लेने के बाद में फिर मार्जिन डिडक्ट करना चाहिए, मार्जिन डिडक्ट करने के बाद में सीनियर बंदे ने उसको ऑथराइज करना चाहिए, ऑथराइज करने के बाद में लोन अग्रीमेंट बनना चाहिए, अग्रीमेंट बनने के बाद में लोन डिसबर्स होना चाहिए, फिर लोन की जो कंडीशन है फुलफिल होना चाहिए, पैसा कहाँ पे लगाना, फिर रेगुलरली हमको इंस्टॉलमेंट मिलते हैं उसकी अकाउंटिंग बराबर होनी चाहिए प्रिंसिपल रिपेमेंट और इंटरेस्ट इनकम में। अगर डिफॉल्ट हो रेगुलरली पैसे ना मिले तो एनपीए क्लासिफिकेशन होना चाहिए, उसका प्रोविजन बनना चाहिए, आखिरी में प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर सही होना चाहिए, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड एंड सो ऑन। फिर अब इक्विपमेंट एंड लीज कंपनी, सबसे पहले कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परमिशन होना चाहिए हायर परचेस और लीज का काम करने के लिए, अगर परमिशन है नेक्स्ट। फिर प्रपोजल आना चाहिए, जिस किसी बंदे को हायर परचेस पे या
इक्विपमेंट चाहिए उसका प्रपोजल आना चाहिए कि मुझे हायर परचेस पे एसेट चाहिए, लीज पे एसेट चाहिए, प्रपोजल आएगा। पहले एओए एमओए में परमिशन होनी चाहिए, फिर प्रपोजल आना चाहिए। प्रपोजल आने के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना चाहिए। क्रेडिट वर्दीनेस अगर उसका सही लगता है कि ये पेमेंट्स कर पाएगा, तो फिर उसका बोर्ड अप्रूवल, उसका बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, बोर्ड मीट्स में दिखना चाहिए। बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के बाद उसके साथ में अग्रीमेंट बनना चाहिए हायर परचेस और लीज का। अग्रीमेंट बनने के बाद उससे कैश डाउन पेमेंट लेना चाहिए। कैश डाउन पेमेंट लेने के बाद में, वंस यू टेक कैश डाउन पेमेंट, उसके बाद फिर ऑर्डर प्लेस करना चाहिए एसेट को खरीदने का। एक्विजिशन चेक करो, एसेट को बराबर प्राइस पे खरीदा ना, बिल से चीजें मैच हो रही है ना, बोले बहुत बढ़िया। खरीदने के बाद में फिर उसका प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन होना चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन हुआ ना, फिर उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि वो जो मशीन है वही मेरी सिक्योरिटी है, उसका प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए। उसका वैल्यूएशन भी होना चाहिए कि भाई कितने लाख की मशीनरी हमने वहां पे इंस्टॉल करवाई थी, तो उसका डिलीवरी होना चाहिए, उसका इंस्टॉलेशन होना चाहिए, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, उसका वैल्यूएशन होना चाहिए। फिर अब रेगुलरली पैसे मिलेंगे तो AS 19 के हिसाब से उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। इंटरेस्ट को अलग करके इंटरेस्ट इनकम बुक करो, बाकी रिपेमेंट होना चाहिए। अगर पैसे नहीं मिले तो हम लोग एसेट को रिपोजेस भी कर सकते हैं, अगर हमको रेगुलरली पैसे नहीं मिले तो। फिर इसके बाद में आखिरी में हमने कंफर्मेशन लेना चाहिए कि सही में उनके पास में एसेट रखा हुआ है ना। ठीक है, बंद कर देना। अगर आप ये थोड़ा प्रैक्टिकल फ्लो चलाए इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये बड़े बड़े आंसर बेहतर हो सकते हैं, बड़े बड़े आंसर बेहतर हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी का आंसर बहुत बेहतर हो सकता है, लोन कंपनी, इक्विपमेंट एंड लीज कंपनी। और चिंता मत करो थोड़े पॉइंट्स कम ज्यादा होने के, इट्स ओके। एग्जैक्ट तो इतना भी लिख लिया ना भाई, आंसू आ जाएंगे सामने वाले के। फिर वो डाउट नहीं चाहिए, लिखना है क्या सर वो? ध्यान देंगे नाउ। लिसन, इस बार एनबीएफसी का फ्रॉड रिपोर्टिंग का अमेंडमेंट है मॉड्यूल में आया है, उसका बहुत बढ़िया प्यारा सा चार्ट बनाकर बहुत अच्छे से समझाया है अमेंडमेंट में, वहां पे समझाया तो भाई वो, और उसका पूरा चार्ट वार्ट भी बनाया, तो प्लीज वहां पे उसको पढ़े। यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स, ध्यान देंगे। आरबीआई ने बोला है कि जितने भी फ्रॉड्स होते हैं एनबीएफसी में, बैंक में, सबको एक क्लासिफाई करके रिपोर्ट करो। सेम क्लासिफिकेशन है फॉर बैंक ऑल्सो एंड एनबीएफसी ऑल्सो, दोनों का क्लासिफिकेशन सेम है, ध्यान दो। सिंपल सी एक फिर एक कहानी बनाई है, ठीक है। हमारा शोरूम है एक बहुत बड़ा, वी हैव अ ह्यूज शोरूम, ठीक है, कपड़ों का शोरूम है, और बैंक से हमारा अंडरस्टैंडिंग है, सर्विस है, डे एंड पे आते पैसे लेके जाते और हमारे अकाउंट में जमा कर देते। बंदा आया एक दिन 2 करोड़ का कलेक्शन लेके गया, जमा ही नहीं किए पैसे, भाग गया। पहला फ्रॉड, मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फिर आगे, अच्छा बंदा पैसे बराबर ले गया, कहानी को आगे बढ़ाते, पैसे बराबर ले गया, पैसे जमा कर दिए बैंक में, उसका जो कलीग था उसने बहुत ही निग्लिजेंट तरीके से गलत वहां पे अकाउंटिंग कर डाली और शॉर्टेज क्रिएट हो गया। 2 करोड़ के जगह उसने 2 करोड़ 10 लाख लिख दिया, पैसे 2 करोड़ थे, लिखा कितना 2 करोड़ 10 लाख, तो शॉर्टेज क्रिएट हो गया कितने का, 10 लाख। उसको भी फ्रॉड मानते, निग्लिजेंस एंड शॉर्टेज से काम किया, ये कलीग नंबर 1 ने किया। अच्छा अगर इसने बराबर नहीं, तो कलीग नंबर 2 बाजू में बैठा है, उसने देखा वाह वाह पैसे आए हैं, तो उसने चेक पे फॉर्जरी करके वो पैसे निकाल लिए। फॉर्जरी एंड फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट थ्रू फॉर्जरी कर दिया उसने, या फिर पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके पैसे विड्रॉ कर दिया, ठीक है। तीसरा कलीग बैठा था, सब फ्रॉडुलेंट ही, बोला हाँ सर सब फ्रॉडुलेंट। तीसरे बंदे ने ब्राइब एक्सेप्ट करके लोन बांट दिया, ठीक है,
वहां पे अनऑथोराइज क्रेडिट फैसिलिटी फॉर इलीगल ग्रेटिफिकेशन। अब ये तो तीन कलीग ने गड़बड़ की, फिर एक कस्टमर आया बंटी एंड बबली, सारे नकली डॉक्यूमेंट सबमिट करके लोन लेके भाग गए, चीटिंग एंड फॉर्जरी। ठीक है, और जनरली ये लोग पूरा पैसा, फ्रॉड वाले लोग पैसा किसमें कन्वर्ट करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज में इररेगुलरिटी है उसको भी फ्रॉड मानते हैं कुछ, अगर इररेगुलरिटी मिसमैच निकल रहे तो, एंड एनी अदर टाइप। ध्यान देंगे, देखो याद होता है क्या, शोरूम में बंदा है पैसे लेके भाग गया, मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फिर पैसा लिया, कलीग नंबर वन ने क्या किया, निग्लिजेंस एंड शॉर्टेज। कलीग नंबर टू ने देखा पैसे आए हैं, उसको क्या कर दिया, फॉर्जरी करके विड्रॉ कर दिया, फॉर्जरी करके विड्रॉ कर दिया, या फिर ट्रांसफर करके पैसे निकाल लिए। कलीग नंबर थ्री ने ब्राइब एक्सेप्ट करके इलीगल तरीके से लोन बांट दिए। फिर बंटी बबली आए, चीटिंग और फॉर्जरी करके पैसे लेके गए, यस नो। फिर बाद में इररेगुलरिटी इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एनी अदर। ऐसे आपको सात हेडिंग्स में फ्रॉड को क्लासिफाई करके बताना पड़ता है। इसमें फिर खास बात लिखी है कि अगर निग्लिजेंस और इररेगुलरिटी इन फॉरेन एक्सचेंज ये तभी रिपोर्ट होते अगर इंटेंशनल दिखा तो, इंटेंशन टू चीट दिखा तो, इंटेंशन टू चीट दिखा तो ही रिपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रिपोर्ट। बोले ठीक है, फिर लेकिन आगे क्या बोलते, लेकिन 10,000 के ऊपर गया डिफरेंस तो मान लेंगे इंटेंशन है, मान लेंगे कि इंटेंशन है, विल अज्यूम दैट देर इज अ इंटेंशन। बात समझ रहे क्या सब, यस नो। फिर बोला है 5,000 के ऊपर गया तो भी मान लेंगे इंटेंशन है, इफ इट इज डिटेक्टेड। अगर कैशियर नहीं बताता है बात, कौन बताता है, मैनेजमेंट पकड़ता है, अरे तूने खुद नहीं बताया, गड़बड़ है कुछ, फिर इसको फ्रॉड मान के रिपोर्टिंग कर देंगे। सुनो, कैश शॉर्टेज और फॉरेन एक्सचेंज में रिपोर्टिंग करना है ओनली व्हेन देयर इज इट इज इंटेंशनल सस्पेक्टेड एक्चुअल फ्रॉड। लेकिन बोले 10,000 क्रॉस करेगा कैश शॉर्टेज तो उसको मान लेंगे इट्स अ फ्रॉड, 5,000 कर ले तो भी मान लेंगे इफ इट इज नॉट टोल्ड बाय द कैशियर बट अदर पीपल हैव डिटेक्टेड इट, मैनेजमेंट, ऑडिटर, इंस्पेक्टर एंड सो ऑन। और मैंने वहां पे लिख दो इसका अमेंडमेंट है फ्रॉड रिपोर्टिंग। और मेरे को तो लगता है बेस्ट बनाया मैंने, चार्ट पार्ट बना के ध्यान नहीं। आइए बैंक ऑडिट, सही में ब्रेक चाहिए, 5:25 हुआ है तो 5:30 5:40 तक आपका ब्रेक है।